बताएं। जी सर, विद्यार्थी कुछ आ गया है, अगर आपकी अनुमति हो तो हम लोग स्टार्ट करें, आरंभ करें कक्षा का। हमको कोई दिक्कत नहीं है, आप बताइए। जी, नहीं मैं शुरू करता हूँ, क्योंकि विद्यार्थी कम थे इसलिए समय भी हो गया, क्योंकि 11 विद्यार्थी भी लगभग आ ही गए हैं, धीरे धीरे हाँ जुड़ेंगे। तो सबसे पहले सुप्रभात आप सभी विद्यार्थियों का, और आज एक नए विषय और दोबारा से हम लोग डॉक्टर राजीव कुमार रावत जी सर के साथ में यहाँ मौजूद है एक नए विषय के साथ। आज का जो विषय हमारा है, हिंदी भाषा का संवैधानिक स्वरूप। तो सर्वप्रथम मैं सर का बहुत बहुत स्वागत करता हूँ अपने विश्वविद्यालय उड़ीसा राज्य मुक्त विश्वविद्यालय की ओर से आज की कक्षा में, और आप सभी विद्यार्थियों का बहुत बहुत स्वागत करता हूँ, और उम्मीद करता हूँ कि आप लोग स्वस्थ हैं, सब सुरक्षित हैं, क्योंकि जैसा पता ही है कल बहुत सारे क्षेत्रों में उड़ीसा के तूफान आए थे, बारिश भी हुई थी, इलेक्ट्रिसिटी भी नहीं थी, उसके बावजूद आपसे विद्यार्थी यहाँ ऑनलाइन आए हैं, अच्छे संख्या में आए हैं। तो सबसे ज्यादा धन्यवाद साधुवाद आपसे विद्यार्थियों को, और इसी के साथ सर मैं सर को आमंत्रित करूंगा, सर आज की कक्षा को आरंभ कराएं। जय बाबा जगन्नाथ। अभिषेक जी और आपकी पूरी टीम को मेरी ओर से नमस्कार। सभी विद्यार्थियों का स्वागत। जैसा कि आप जानते हैं कि आज का जो विषय है वह है हिंदी भाषा का संवैधानिक स्वरूप। तो देवाशीष सर काइंडली म्यूट कर सकते हैं, सभी म्यूट हो ना देखो मैं। सभी विद्यार्थियों से निवेदन है कि वे अपना माइक म्यूट कर दें। सर मोर आरोग्य तो नहीं होना सी तो अपन लोग का कुछ बात बात सी सर। हाँ म्यूट हो नहीं कहीं सर, ऑप्शन ही शो करूंगी। सर राजीव सर एक सेकंड सर, माफी चाहूंगा सर। अंकल ना कौन अच्छी सर, रिक्वेस्ट करूँ तू म्यूट करवा अपन इसको। हाँ रिमूव कर दिल सर। अच्छा, आगे राजीव सर भी बोधे रिमूव हुए चेंज किसी ने ऐसा ज्वाइन करी है। कौन सा म्यूट ऑप्शन ही देखो नहीं मतलब सर कौन भाई लेकिन यू कैन नॉट म्यूट द लेकिन अच्छा, राजीव सर सर आपके म्यूट है सर आपका माइक सर। अभी मैं हो गया। जी, सर हो गया जी सर, आराम कीजिए सर, माफी चाहिए वो बीच बीच कोई थोड़ा बात नहीं, टेक्निकल दिक्कत हो गई। कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, होता है होता है होता है, ऐसा होता है, उसमें कोई बहुत परेशानी की बात नहीं है। और खास तौर से टेक्नोलॉजी के मामले में ज्यादा परेशान नहीं होना चाहिए। टेक्नोलॉजी ये कब क्या कर दे, उसको ध्यान है कि एक बार ये जो जब से ये रिकॉर्डिंग का सिस्टम शुरू हुआ है ना, तब से एक शादी बारात निकल रही थी और बारात में वो प्री फिक्स्ड गाने होते हैं जो बारात में गाए जाते हैं। तो बारात निकल रही थी तो बारात में जब वो दूल्हे के बारात अब दूल्हा लेके दुल्हन के दरवाजे पर पहुंचा तो वहां वो प्री फिक्स गाना था, बहारो फूल बरसाओ मेरा महबूब आया है। वो पता नहीं कैसे गलत हो गया, कैसेट गलत हो गई या गलत सेलेक्ट हो गया और वो गीत बजने लगा। कौन सा, मैं तेरी दुश्मन दुश्मन तू मेरा। तो टेक्नोलॉजी है, कोई बात नहीं। धीरे धीरे अभी वर्चुअल क्लासेस का थोड़ा नया फंडा है, नया फंडामेंटल है, तो धीरे धीरे काफी लोग सीख रहे हैं। और आज का हमारा विषय है, ये टेक्नोलॉजी भी इसमें है, मैंने उसको भी एक दो स्लाइड्स में रखा है। तो मैं एक बार फिर अब तक जुड़ चुके सभी विद्यार्थियों को अपना नमस्कार कहता हूँ, उनका स्वागत करता हूँ। आज की हमारी कक्षा का विषय है हिंदी भाषा का संवैधानिक स्वरूप। तो मैं इस विषय को अपने कुछ प्रेजेंटेशन के साथ और आपस की बातचीत के साथ शुरू करूंगा। मैं पहले सबसे पहले आपको हिंदी भाषा के और संविधान के संबंध में बताता हूँ। जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं कि भारत के संविधान में हिंदी को राजभाषा के रूप में स्वीकार किया गया है, लेकिन इसकी एक पृष्ठभूमि है। हिंदी को ही क्यों, वो इसलिए कि आप लोग उड़ीसा से हैं, हमारे उड़ीसा से
हमारे नेताजी का बहुत गहरा संबंध, उनकी जन्मभूमि उड़ीसा रही। अब आप ये सोचिए कि वो उड़िया भी अच्छी जानते थे, बंगला भी अच्छी जानते थे, अंग्रेजी भी बहुत अच्छी जानते थे, और देश के उस समय के सबसे टैलेंटेड लोग जिस परीक्षा में बैठते थे आईसीएस में, उस परीक्षा को उन्होंने पास किया था और ने त्याग पत्र दे दिया था देश हित के लिए। तो वो उस व्यक्ति ने जब पूरे भारतवर्ष को संबोधित किया, स्वतंत्रता संग्राम में आने के लिए आह्वान किया, तो उन्होंने नारा दिया, तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आजादी दूंगा, जय हिंद, दिल्ली चलो, ये उनके विश्व प्रसिद्ध नारे हैं। इनके नारों के ऊपर उस समय के नौजवान अपनी जान नौछावर कर दिए। ऐसे गरीब लोग भी अपना सब कुछ बेच के भी आजाद हिंद फौज को जिन्होंने चंदा दिया। आज मैं इस बात को आपको इसलिए याद दिला रहा हूं कि यदि नेताजी ये कहते कम टू दिल्ली, यू गिव मी द ब्लड, आई विल गिव यू फ्रीडम, अगर नेताजी इस आह्वान को अगर अंग्रेजी में करते तो क्या देश का नौजवान उनसे जुड़ता? यू गिव मी ब्लड, आई विल गिव यू फ्रीडम, कुछ ऐसा फॉर्मल सा समझ में आता, जैसे कि कोई ब्लड डोनेशन कैंप लगा हुआ है और वहां जाके ब्लड देना है। तो राष्ट्र की नब्ज के स्पंदनों को पकड़ने में जितनी सक्षम भाषा स्वतंत्रता संग्राम के दौरान हिंदी रही, तो हमारे स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों ने राष्ट्र के स्वतंत्र होने के बाद यह परिकल्पना की, जिसमें कि बहुत से हिंदी भाषी, गैर हिंदी भाषी, बल्कि विदेशी विद्वानों का भी बहुत बड़ा योगदान है कि उन्होंने हिंदी को पूरे देश की संपर्क भाषा के रूप में पहचाना। अब सोचिए कि जम्मू कश्मीर से कोई सनातन हिंदू या कोई भी तीर्थ यात्री पुरी में बाबा जगन्नाथ के दर्शन करने आता है, तो सोचिए कि वह कश्मीर से आ रहा है, उसकी अपनी भाषा डोगरी है, उर्दू है, कश्मीरी है, पश्तो है, वो कोई भी जुबान जान सकता है। लेकिन जब इतनी दूरी तय करके वो सुदूर उड़ीसा के एक समुद्र के कोने पर बसे हुए बाबा जगन्नाथ के दर्शन के लिए जाता है, तो उसका काम वहां पश्तो से तो नहीं चलेगा, डोगरी से तो नहीं चलेगा, उर्दू से तो नहीं चलेगा, और न अंग्रेजी से चलेगा। तो वो टूटी फूटी जितनी भी हिंदी उर्दू सम्मिलित भाषा जानता है, उस भाषा के साथ वो उड़ीसा में, पुरी में, भुवनेश्वर में, बालासोर में आपस में संपर्क करता है। इस दृष्टि से हिंदी पूरे देश की एक संपर्क भाषा है। उड़िया भाषी भी हिंदी समझता है, बंगला भाषी भी हिंदी समझता है, बंगला भाषी उड़िया भी समझता है, और हिंदी भाषी थोड़ी बहुत बंगला और उड़िया भी समझता है, क्योंकि हिंदी का जो विकास हुआ है वो एक बड़ी सुदीर्घ सुचिंतित परंपरा है। बहुत पहले भारतेंदु हरिश्चंद्र ने लिखा था कि निज भाषा उन्नत है हर उन्नति को मूल। और मैं इसको हमेशा एक चीज से और भी कहता हूं कि अपनी ही भाषा के साथ प्राथमिक शिक्षा और किसी एक भारतीय भाषा में या संस्कृत में उच्च शिक्षा, अगर हम इस फार्मूला को अपनाएं, इस सूत्र को अपनाएं, तो हमारा देश भी एक बहुत मजबूत स्थिति में खड़ा हो सकता है। अब क्योंकि विषय आज हमारी हिंदी का है, तो मैं इसके साथ एक छोटी सी बात और जोड़ूंगा कि आप सभी लोग मास्टर्स कोर्स में हैं, एक बात विचार करिए कि एक छोटा सा देश है इजराइल, और छोटा सा देश है स्वीडन, और बड़े बड़े देश में फ्रांस है, जर्मनी है, जापान है, सोवियत रूस है, तुर्की है, ये सब जो देश हैं, चीन है, क्या ये देश जिनका मैंने नाम आपके सामने लिया है, क्या ये देश किसी भी रूप में
प्रौद्योगिकी में या प्रगति में भारत से पीछे हैं कि भारत से आगे हैं? निश्चित रूप से आप कहेंगे कि भारत से आगे हैं। तो मैं ये कहना चाहता हूं आपसे कि यदि ये देश भारत से आगे हैं, तो मुझे ये बताइए कि क्या इन देशों में कहीं भी उच्च शिक्षा या प्रौद्योगिकी की शिक्षा या मातृ शिक्षा, मातृ प्रारंभिक शिक्षा, मातृभाषा के अलावा अंग्रेजी में भी दी जाती है कहीं भी? इन देशों में कहीं भी अंग्रेजी में शिक्षा नहीं दी जाती है। तो यह सबक है, यह संदेश है उन लोगों के लिए जो अंग्रेजी की बहुत तरफदारी करते हैं और कहते हैं कि बिना अंग्रेजी के ज्ञान नहीं है, बिना अंग्रेजी के प्रगति नहीं है। एक बात। दूसरी बात, आप सब लोग हिंदी साहित्य के विद्यार्थी हैं, आप लोग सभी जानते हैं कि पहले हमारे देश को कहा जाता था, भारतवर्ष के बारे में कहा जाता था कि भारतवर्ष सोने की चिड़िया है, कहते थे ना। तो अब आप मुझे बताइए कि भारतवर्ष सोने की चिड़िया आज है कि आज से 200, 500, 700 वर्ष पहले थी? निश्चित रूप से 700, 800 वर्ष पहले थी। तो क्या 700, 800 वर्ष पहले जब भारत सोने की चिड़िया थी, तो क्या भारत में उस समय अंग्रेजी थी? नहीं ना। तो जब भारत सोने की चिड़िया थी, यानी सोना यानी समृद्धि, समृद्धि यानी कि हमारे यहाँ इतनी समृद्धि थी कि हमारे देवताओं की मूर्ति भी हम सोने से और हीरे जवाहरात से मढ़ के रखते थे, तब तो अंग्रेजी नहीं थी। आप सूर्य मंदिर देखिए, अपना कोणार्क वाला, अपना जगन्नाथ मंदिर देखिए, हिंदुस्तान के किसी भी मंदिर को देखिए जो आज से 400, 600, 500 वर्ष पहले के बने हुए हैं, हजारों वर्ष पहले के भी बने हुए हैं। तो उस समय जब इतनी इतनी उन्नत स्थिति हमारे निर्माण कला की थी, तो आप जानते हैं कि निर्माण सिर्फ एक निर्माण तो नहीं होता है, उसके साथ तो बहुत सी इंजीनियरिंग जुड़ी होती है। भूगर्भ जुड़ा हुआ है, जल विज्ञान जुड़ा हुआ है, वायु विज्ञान जुड़ा हुआ है, वास्तुशास्त्र जुड़ा हुआ है, सिविल इंजीनियरिंग जुड़ी हुई है, आर्किटेक्ट जुड़ा हुआ है ना, केमिस्ट्री जुड़ी हुई है, केमिकल इंजीनियरिंग जुड़ी हुई है, इलेक्ट्रिकल जुड़ा हुआ है, कितनी सारी अभियांत्रिकियों का सम्मिलन रहा होगा, तब कहीं जाके सूर्य मंदिर और जगन्नाथ मंदिर बने होंगे ना। और उस समय तो हमारे यहाँ कहीं अंग्रेजी नहीं थी। तो ये तथ्य यहां मैं समाप्त करता हूं। आप लोग क्योंकि हिंदी पढ़ रहे हैं और हिंदी पढ़ने वाले व्यक्ति को अपने आप में एक मजबूत जज्बे का आदमी होना चाहिए। हिंदी और अपनी मातृभाषा जो पढ़े, उसको ये समझिए कि वो एक बहुत विपरीत अंधड़ जो पूरी दुनिया में, देश में अंग्रेजी का चल रहा है, अपनी संस्कृति के खिलाफ, अपनी सभ्यता के, अपनी मान्यताओं, अपनी परंपराओं, इनके विरुद्ध जो अंग्रेजी का प्रगतिवादी अंधड़ चल रहा है, हिंदी और मातृभाषा पढ़ने वाले को उस अंधड़ के सामने ऐसे सीना तान के खड़े होने का जज्बा होना चाहिए। ये चीज आप जानिए, ठीक है ना। तो हिंदी मातृभाषा के साथ साथ कुछ देश में और भी पढ़ाई जाती है, और भारतवर्ष में हिंदी को राजभाषा बनाया गया संविधान जब लागू हुआ। 26 जनवरी 1930 को ये शपथ ली गई थी कि भारत की स्वतंत्रता होगी। और उसी इतिहास में से जब आप निकलते चलेंगे, तो 26 जनवरी 1950 को हमारा संविधान लागू हुआ। बहुत सी चीजें हैं बीच में इतिहास, वो हम बाद में किसी समय रखेंगे आपके लिए क्लास, भारत का हिंदी का विकास और संवैधानिक यात्रा। आप लोग यदि चाहें तो नोट कर लीजिए कि एक किताब है हिंदी की, भगीरथ यात्रा, हिंदी की भगीरथ यात्रा, इस किताब को आप पढ़िएगा, बहुत सी जानकारी आपको मिलेगी। शैलेश मटियानी की एक किताब है राजभाषा, राजभाषा हिंदी, बहुत सी किताबें हैं। कृष्ण कुमार गो प्रोफेसर कृष्ण गोस्वामी की किताब है, मेरे एक मित्र हैं डॉक्टर सी वी
मेरे आप लोग भी शायद उनको जानते होंगे, मेहर साहब को, मेहर साहब को छत्तीसगढ़ विश्वविद्यालय के हिंदी अधिकारी हैं, आप लोगों के यहाँ के ही पढ़े हुए हैं, उड़ीसा के ही हैं। उनकी भी एक किताब है जो कि आपके सिलेबस में भी जिसका संदर्भ दिया गया है। तो इन किताबों को आप पढ़िए और अपना जज्बा मजबूत रखिए हिंदी पढ़ने का। अब मैं आता हूं कि हिंदी का जो संवैधानिक स्वरूप है वो क्या है। तो मैंने आपको अभी तक ये बताया कि संविधान में इस भाषा को क्यों डाला गया, क्योंकि हमारे संविधान निर्माताओं ने और राष्ट्र निर्माताओं ने, स्वतंत्रता सेनानियों ने ऐसा महसूस किया कि सारे देश को एक सूत्र में पिरोकर हिंदी रख सकती है। विजय कुमार अत्रे की एक किताब है जिसमें कि पूरी पूरे देश दुनिया से जिन लोगों ने हिंदी के बारे में कुछ अच्छा कहा है उनका एक संकलन है। 26 जनवरी 1950 को जब संविधान लागू हुआ तो उसमें यह प्रावधान रखा गया था कि भारतवर्ष की राजभाषा हिंदी होगी, किंतु अभी क्योंकि सारा काम अंग्रेजी में चलता है इसीलिए 15 वर्ष का एक बफर समय देते हैं सीखने का, समझने का, चीजों को कन्वर्ट होने का, कि 15 वर्ष के बाद जहां आज अंग्रेजी है वहां हिंदी हो जाएगी और तब तक दोनों भाषाओं में काम चलेगा। तो अभिषेक जी, मैं अपनी एक प्रस्तुति शेयर कर रहा हूं। जी सर, आप शेयर कीजिए सर। हाँ, आप इसको चलाइए और मैं इसके साथ साथ बातचीत करता चलूंगा। जी सर, आ रहा है सर। सर उसका थोड़ा सा, हाँ मैं एनलार्ज बस करने को कह रहा था, उसको फुल स्क्रीन कर दीजिए सर। जी सर बहुत बेहतरीन। तो ये आपका जो कोर्स है DST 02, ये इसकी आवश्यकता है कि हिंदी भाषा का संवैधानिक स्वरूप हमें एक पेपर में पढ़ना पढ़ाना है। संविधान में अनुच्छेद 343 से 351 में हमारा हिंदी संबंधी प्रावधान है, 120 में भी है, 210 में भी है। हिंदी भाषा हमारे संविधान में है और ये हिंदी संघ की राजभाषा है। कोई बताएगा मैंने उड़िया में क्या लिखा है? कोई भी स्टूडेंट अपना माइक को अनम्यूट करके कह सकते हैं, मो ओडिशा को भलो पाए। थैंक यू। इसका मतलब क्या हुआ? मो ओडिशा को भलो पाए। जी जी, ठीक है, बहुत बहुत धन्यवाद। ये मेरी ओर से आप सभी को है। धन्यवाद सर। हिंदी सारे देश की है। हमारे पाठ्यक्रम के मुख्य बिंदु ये हैं कि हम तीन चीजों में बात करेंगे कि संविधान में हिंदी, राजभाषा संबंधी विभिन्न समितियां, राजभाषा अधिनियम और राजभाषा नियम 76। हिंदी का तीन तरह से हमारे यहाँ प्रयोग है, विधायिका में, कार्यपालिका में, न्यायपालिका में। संविधान के भाग 5, 6 और 17 में हिंदी का समावेश किया गया प्रावधानों का, अनुच्छेद 120, अनुच्छेद 210 और 351 से 353 तक लगातार। पाठ्यक्रम का मुख्य बिंदु राजभाषा हिंदी के स्वरूप एवं क्षेत्र, कहां कहां, पहला विधायिका, दूसरा कार्यपालिका और तीसरा न्यायपालिका। आप कहेंगे क्या हिंदी और कंप्यूटर पर? आज हम क्लास, वर्चुअल क्लास ले रहे हैं हिंदी की, कंप्यूटर की टेक्नोलॉजी से ही जुड़ने की वजह से ले रहे हैं। तो मेरा अपने सभी विद्यार्थियों से विनम्र निवेदन है कि आप हिंदी जितनी अच्छी जाने उससे साथ साथ बहुत अच्छे कंप्यूटर ऑपरेशंस को भी जानिए, कंप्यूटर में भी मास्टर बनिए, प्रेजेंटेशंस में, मीटिंग्स में, ये सब चीजें जो कंप्यूटर से जुड़ी हुई हैं इनमें आप मास्टर बनिए।
इसको मैंने आपको थोड़ा बोर ना हो गए थोड़ा मैं हंसा देता हूँ आपको कि आप देखिए कि जहाँ कहीं भी हिंदी का नाम आता है हम लोग कैसे होते हैं। अरे लो हो गए लेक्चर शुरू। ऐसा होता है भारत का संविधान भाग 5 में संसद में प्रयुक्त होने वाली भाषा, भाग 6 में विधानमंडल में प्रयुक्त होने वाली भाषा और भाग 17 में है संघ की राजभाषा। संसद में प्रयुक्त होने वाली भाषा में आर्टिकल 120 है जो कहता है कि संसद का कार्य हिंदी या अंग्रेजी में किया जाएगा। सन 1950 में जब संविधान लागू हुआ था तो ये कहा गया था कि 15 वर्ष का अब समय समाप्त हो जाएगा तब हिंदी आ जाएगी पूरी तरह से और अंग्रेजी हट जाएगी वहां से। लेकिन क्या हुआ कि उस समय सन 63, 60, 62 के बाद ही बल्कि 62 में 1962 में चीन के साथ युद्ध हुआ, राजनीतिक शक्तियां थोड़ी कमजोर हुई, हमारी हार हुई, तो थोड़ा भाषाई मसला भी उठ के खड़ा हुआ और ये चित्रित करने का प्रयास किया गया कि हिंदी को सारे देश पे थोपा जा रहा है। कुछ आंदोलन भी हुए भाषाई आधार पर, राज्यों के पुनर्गठन की मांग उठने लगी। उसके सामने राजनीतिक नेतृत्व थोड़ा झुका। एक आंध्रा में एक व्यक्ति थे श्री रामलू जी, करीब 2 महीने के करीब आमरण अनशन की घटना के बाद उनकी मृत्यु हो गई। तो इससे देश में और एक उबाल आया, भाषाई आग्रह दुराग्रह में परिवर्तित हुए और हिंदी की संपूर्ण देश में लागू होने की जो मंशा थी राष्ट्र निर्माताओं की वो थोड़ी कमजोर पड़ी। लिहाजा बीच का रास्ता निकाला गया कि संविधान में लिखा गया कि साथ साथ अंग्रेजी भी चलेगी जब तक संसद चाहे। भाग 6 में विधानमंडलों में प्रयुक्त होने वाली भाषा के रूप में प्रावधान दिए गए हैं और यह भी एक प्रावधान है कि जब तक राज्य नहीं चाहेगा केंद्र उसके ऊपर हिंदी जबरन नहीं थोप सकता। 17 में संघ की राजभाषा है जो कि अनुच्छेद 343 से शुरू होती है। 343 में कहा गया है कि संघ की राजभाषा हिंदी होगी, लिपि देवनागरी होगी और ये सब चीजें आप उसमें पढ़ सकते हैं। 344 में है राजभाषा के लिए एक आयोग बनेगा और एक संसद की समिति बनेगी। आयोग राष्ट्रपति को अपनी संस्तुतियां देगा, रिकमेंडेशंस देगा, उनके आधार पर आयोग ने आज तक अपनी 9 रिपोर्ट राष्ट्रपति को दे चुका है और उन रिपोर्ट्स के आधार पर राष्ट्रपति सीधे सीधे आदेश जारी करते हैं। अनुच्छेद 345 में राज्य की राजभाषा और राजभाषाओं के विषय में प्रावधान दिए गए हैं, जैसे कि आप उड़ीसा में हैं आपके राज्य की भाषा उड़िया है। 346 में है कि एक राज्य और दूसरे राज्य के बीच या राज्य और संघ के बीच, संघ का आशय केंद्र सरकार से है, इनके बीच जब पत्राचार होगा तो उसमें कौन कौन से प्रावधान लागू होंगे। 347 कहता है कि अगर किसी राज्य में जो जनसंख्या का एक भाग है उस भाग द्वारा कोई विशेष बोली बोली जाती है तो उसके संरक्षण के लिए, उसकी समृद्धि के लिए, उसको बचाने के लिए, उसको और मजबूती प्रदान करने के लिए, उनके अधिकारों की रक्षा करने के लिए केंद्र इस तरह का कोई ना कोई शासकीय कार्य कर सकता है, मान्यता दे सकता है, उसके संबंध में उपाय कर सकता है। अनुच्छेद 348 जो है उच्चतम न्यायालय और उच्च न्यायालय आदि की भाषा की बात करता है। 349 भाषा संबंधी जो विधियां हैं कैसे लागू होंगी, व्हाट विल बी द मॉडस ऑपरेंडी, उसके बारे में बात करता है। और 350 अगर कहीं किसी को कोई प्रतिवेदन देना है, कोई आवेदन देना है, तो एक सब मान लीजिए कि आपको कोई आवेदन देना है और आपको केंद्र सरकार को कोई आवेदन देना है और आपको हिंदी नहीं आती, लेकिन अगर आपने उसमें चिट्ठी किसी से लिखा ली और आपने उसमें हस्ताक्षर अपनी भाषा में उड़िया में या हिंदी में कर दिए तो वो जिस अधिकारी के पास वह आपका आवेदन जाएगा वो अधिकारी इस अनुच्छेद के तहत बाध्य है कि वो आपको आपकी भाषा में या जिस भाषा में आपने हस्ताक्षर किए हैं उसमें
वह उत्तर देगा। अनुच्छेद 350 से व्यवस्था करता है कि प्राथमिक स्तर पर मातृभाषा में शिक्षा की सुविधा हो। अगर कोई भाषाई रूप से अल्पसंख्यक है तो उनके विशेष अधिकार होते हैं, जैसे उर्दू बोलने वालों के मणिपुर में हैं, यूपी में हैं, आपके यहाँ भी कोई अगर अल्पसंख्यक वर्ग है जिसकी कोई अपनी एक अलग भाषा है, तो उनके अधिकारों के लिए भी भारत सरकार के विशेष अधिकारी होते हैं। अनुच्छेद 351 भारत सरकार के लिए निर्देश देता है कि हिंदी के विकास के लिए भारत सरकार को क्या करना चाहिए। तो भारत सरकार को अनुच्छेद 351 यानी संविधान यह आदेश देता है कि हिंदी के विकास के लिए केंद्र सरकार, संघ का यह दायित्व होगा कि वो हिंदी का विकास करेगा, कहाँ मूलतः संस्कृत से शब्द लाएगा और गौणतः अन्य भारतीय भाषाओं से शब्द लाकर उन शब्दों का सही तरह से विनिमयन करते हुए हिंदी भाषा का प्रचार प्रसार करेगा, हिंदी के जो शब्दकोश हैं, हिंदी की जो शब्द संपदा है उसको बढ़ाएगा अन्य भारतीय भाषाओं से शब्दों को लेते हुए। इससे क्या होगा? इससे ये होगा कि हिंदी सबकी भाषा है। जब हिंदी में कोई शब्द उड़िया का होगा, हिंदी में कोई शब्द बंगला का होगा, हिंदी में कोई शब्द मलयालम का होगा, तो यहां से इन सभी शब्दों को लेते हुए जब हिंदी बनेगी, हिंदी विकसित होगी, हिंदी समृद्ध होगी, तो देश के हर नागरिक को, हर भाषा बोलने वाले को यह लगेगा कि इस हिंदी में मैं भी शामिल हूं, ये मेरी हिंदी है। इसमें अष्टम अनुसूची में 22 भाषाएं हैं आज की तारीख में। पहले इसमें 8 थी 1975 तक, फिर 15 थी, 74 में संशोधन में 3 और जोड़ी, फिर 100वें संशोधन में और 4 जोड़ी गई और आज ये 22 भाषाएं हैं। हिंदी, असमिया, उड़िया, उर्दू, कन्नड़, कश्मीरी, गुजराती, तमिल, तेलुगु, पंजाबी, मलयालम, बंगला, मराठी, संस्कृत, सिंधी, नेपाली, कोंकणी, मणिपुरी, मैथिली, डोगरी, बोडो, संथाली। इसमें कभी कभी आपको एक प्रश्न आता है कि संविधान की 8वीं अनुसूची में दी गई 22 भाषाओं में से कौन सी भाषा हिंदुस्तान की नहीं है। तो इसमें आप देखेंगे कि एक नेपाली है, नेपाली हिंदुस्तान की भाषा नहीं है, किंतु हमारा पड़ोसी राज्य है, पड़ोसी राष्ट्र है और हमारा उनके साथ बहुत गहरा ऐतिहासिक और सांस्कृतिक संबंध है। माँ सीता जनकपुर की थी, राम अयोध्या के थे, तो ये जो सांस्कृतिक हमारे गठबंधन है, हमारी संबंध है, इसमें सिंधी भी, अब सिंध भी पाकिस्तान की ओर चला गया, सिंधी भी अब हमारी भाषा पूर्ण रूप से किसी राज्य की नहीं है, तो इन भाषाओं को भी इसमें स्थान दिया गया है। और आप ध्यान दीजिए, इसमें कहीं भी अंग्रेजी नहीं है, लेकिन इसमें अंग्रेजी में सारा देश चल रहा है। तो 1963 एक अधिनियम बना उस विवाद से निपटने के लिए जो सन 61-62 में खड़ा हो गया था कि हिंदी के विरुद्ध, कि हिंदी को सारे देश की कहीं भाषा न बना दिया जाए, तो सरकार ने एक बीच का रास्ता निकाला। लाल बहादुर शास्त्री जी ने एक संविधान संशोधन विधेयक पेश किया, एक नहीं, संविधान संशोधन विधेयक नहीं था, वो एक अधिनियम था, एक्ट था, संसद ने उसको पारित किया और उसमें उसका अधिनियम का नाम दिया गया राजभाषा अधिनियम 1963 जाना जाएगा। और इससे क्या किया, इन्होंने कुछ कुछ बीच के रास्ते निकाले। कैसे निकाले? कि भाई जिनको हिंदी नहीं आती है उनको केंद्र सिखाएगा, जब तक उनको नहीं आती है वो अपना हिंदी में काम नहीं करना सीख पा रहे, अंग्रेजी में करते रहे पर साथ में हिंदी सीखते रहे, उनका संरक्षण किया गया कि ऐसा नहीं है कि उनको हिंदी नहीं आती है तो उनका कोई भी शोषण किया जाएगा या उनको प्रताड़ित किया जाएगा या उनका कोई भेदभाव किया जाएगा। तो एक बीच का रास्ता निकाला गया कि भाई अनुवाद का रास्ता निकालिए और अनुवाद के सहारे हिंदी और अंग्रेजी दोनों को चलने दीजिए। तो एक धारा 3-3 इसकी बनाई गई और उसमें 14 तरह के पत्राचार रखे गए, जिसको कि कहते हैं कार्यालय आदेश, ऑफिस ऑर्डर, परिपत्र सर्कुलर, संकल्प रेजोल्यूशन, नियम रूल, ज्ञापन मेमोरेंडम, अधिसूचना नोटिफिकेशन, पॉलिसी दस्तावेज, संविदा, करार, निविदा, एग्रीमेंट और टेंडर,
निविदा सूचना, टेंडर नोटिस, प्रेस विज्ञप्ति, प्रेस कम्युनिक, प्रशासनिक प्रतिवेदन, एडमिनिस्ट्रेटिव रिपोर्ट्स और अनुज्ञप्तियां, लाइसेंस। तो ये किस लिए बनाए गए 14 तरह के कार्यक्रम? ये 14 तरह का जो पत्र का एक नमूना है जिनका नाम है 14 तरह की, इस पत्रावली में, इन पत्रों के प्रकार में ही सारी की सारी भारत सरकार चलती है। तो ये रास्ता निकाला गया कि इन पत्रों को द्विभाषी जारी किया जाए। उद्देश्य पवित्र यह था कि इन पत्रों को निकालने वाला हमारा जो कर्मचारी है, जो अधिकारी है, वो इनको जब द्विभाषी निकालना शुरू करेगा, अंग्रेजी में निकालेगा, हिंदी में निकालेगा, तो निश्चित रूप से हिंदी में निकालने के लिए उसे कुछ मदद की आवश्यकता होगी, हिंदी जानने की आवश्यकता होगी, सीखने की आवश्यकता होगी। तो फिर प्रशिक्षण की भी व्यवस्था की गई, प्रशिक्षण के साथ साथ उनको हिंदी सिखाने के लिए पूरा का पूरा एक सिस्टम खड़ा किया गया। केंद्रीय अनुवाद ब्यूरो बना, केंद्रीय हिंदी शिक्षण संस्थान बना, केंद्रीय हिंदी प्रशिक्षण संस्थान बना, और भी अनेक संस्थाओं का निर्माण हुआ, गठन हुआ, और ये प्रशिक्षण का कार्यक्रम चालू हुआ, कार्यशालाएं चालू हुई, हिंदी अधिकारी, हिंदी अनुवादक आदि की भर्ती हुई। ये सब चीजें इसी के तहत आई कि हमारे कर्मचारी को हम हिंदी में काम करना सिखाएं। अब बहुत सारी समितियां हैं, मैं आगे आएगा, इसकी एक स्लाइड ये बीच में पहले आ गई है, इसके मैं बाद में बताऊंगा इसके बारे में। हिंदी के अनुमानित ज्ञान के आधार पर सारे देश का 3 हिस्सों में विभाजन किया गया, क क्षेत्र, ख क्षेत्र, ग क्षेत्र, ABC। जो सारे हिंदी भाषी जिनकी मातृभाषा हिंदी है उनको रखा गया क में, जिनकी भाषा हिंदी जैसी है उनको रखा गया ख में, और जो हिंदी से अलग है उनको रखा गया ग में। एक चीज आप यहाँ नोट कर लीजिए, अगर आपकी किताब में भी मैं देख रहा था ये गलती है, कहीं भी हिंदी भाषी के साथ या उससे अलग अहिंदी भाषी शब्द का प्रयोग नहीं करना है। अहिंदी भाषी क्षेत्र, अहिंदी भाषी वर्ग, अहिंदी भाषी कर्मचारी का प्रयोग नहीं करना है। भारत सरकार का स्पष्ट आदेश है कि अहिंदी भाषी के स्थान पर हिंदी तर भाषी, हिंदी तर भाषी या गैर हिंदी भाषी, ये शब्द का प्रयोग करना है। तो ये भारत सरकार का एक वार्षिक कार्यक्रम आता है, आप नोट कर लीजिए, एक वेबसाइट है RAJBHASHA rajbhasha.gov.in या rajbhasha.nic.in। ये वो साइट है जो हमारे भारत सरकार की गृह मंत्रालय की आधिकारिक वेबसाइट है, और इस पर हिंदी के संबंधी समस्त चीजें जो मैं आपको बता रहा हूं या जो समय के अभाव में न भी बता पाऊंगा, वो सब कुछ आपको इस पर मिलेगा। इसके बाद सन 1968 में एक राजभाषा का संकल्प संसद ने लिया, वो लिया कि हम, यानी कि संसद, यानी कि संघ, यानी कि भारत सरकार एक प्रयास ये करेगी कि पूरे देश में हिंदी का कार्यक्रम लागू हो, हिंदी लागू हो, और इसका वार्षिक मूल्यांकन किया जाएगा, और उस वार्षिक मूल्यांकन की रिपोर्ट संसद को रखी जाएगी दोनों सदनों में। इसके बाद सन 1976 में एक राजभाषा नियम बने, वो किस लिए बने? वो इसलिए बने कि केंद्र और राज्यों के बीच में या केंद्र सरकार के विभिन्न कार्यालयों में हिंदी का कामकाज कैसे हो, क्या उसकी प्रक्रिया हो, कैसे हिंदी का प्रयोग बढ़े, कि अंग्रेजी स्थायी रूप से रह भी ना जाए, और ऐसा भी ना हो कि हिंदी कभी ना आ पाए, इसलिए कुछ ऐसे नियम बनाए गए कि धीरे धीरे थोड़ा सा सभी कार्यालयों में कुछ लक्ष्य हो, कुछ उद्देश्य हो, सरकार के अधिकारियों को भी ये उनके दायित्वों से परिचित कराया जाए कि भाई ये हिंदी संविधान का विषय है, संविधान निर्माताओं ने कहा है, राष्ट्र निर्माताओं ने कहा है, हमें ये लागू करना है। इसमें 12 नियम है, उनको आप पढ़ सकते हैं। उनमें क्या है कि नियम 1 कहता है, 2 कहता है, 3 कहता है, ये कार्यालय संबंधी बातचीत है, इसको आप पढ़ेंगे, आपको अगली मेरी स्लाइड में मिल भी जाएगा, याद रखने की बात है। अब राजभाषा हिंदी के संबंध में कई तरह की समितियां होती हैं। सबसे उच्च स्तर पर यानी कि
सर्वोच्च स्तर पर जहाँ जिसके अध्यक्ष प्रधानमंत्री हैं वो है केंद्रीय हिंदी समिति। उसके बाद नीचे आइए यानी हर मंत्रालय में, हर मंत्रालय में होती है हिंदी सलाहकार समिति जिसके अध्यक्ष उस मंत्रालय के मंत्री होते हैं। इसके बाद होती है संसदीय राजभाषा समिति। संसदीय राजभाषा समिति का काफी कुछ विवरण आपको जो मैंने साइट बताई ना rajbhasha.gov.in उसमें बाएं हाथ पर एक लिंक है अधीनस्थ कार्यालय सबॉर्डिनेट ऑफिसेस, उसमें आपको संसदीय राजभाषा समिति का पूरा विवरण मिल जाएगा। उसकी ऐतिहासिक पृष्ठभूमि, कैसे उसका गठन हुआ, कौन कौन लोग उसमें होते हैं, 20 सदस्य लोकसभा से होते हैं, 10 सदस्य राज्यसभा से होते हैं, इनकी 3 उप समितियाँ होती हैं, पहली उप समिति, दूसरी उप समिति, तीसरी उप समिति। आप शायद इनको जानते होंगे, आपके उड़ीसा के सांसद रहे बड़े विद्वान पाठशाणी जी, ये उस समिति के बहुत समय तक अध्यक्ष रहे हैं। तीसरी तीसरी समिति होती है, चौथी केंद्रीय राजभाषा कार्यान्वयन समिति। यह समिति पूरे भारतवर्ष के जो केंद्र सरकार के कार्यालयों की जो एक समितियों का मुख्य है, ये एक केंद्रीय राजभाषा समिति होती है जिसके अध्यक्ष गृह मंत्री होते हैं, जो कि पूरे देश की केंद्र सरकार की जितनी भी इकाइयां हैं, कोई कार्यालय है, कोई विश्वविद्यालय है, कोई आईआईटी है, एनआईटी है, आईआईएम है, कोई लिंग निगम है, लिमिटेड है, केंद्रीय विद्यालय, कोई भी स्वायत्त संस्था है, कुछ भी है, जहां केंद्र सरकार का कोई भी प्रभाव है, केंद्र सरकार का जो कार्यालय है उसमें हिंदी का कार्यक्रम कैसा चल रहा है, हिंदी की प्रगति क्या है, उसकी समीक्षा उनकी अध्यक्षता में होती है। नगर राजभाषा कार्यान्वयन समिति होती है, जैसे जिस शहर में आप, जैसे संबलपुर में है, संबलपुर में एक नराकास होगी, नगर राजभाषा कार्यान्वयन समिति, अंग्रेजी में इसको टाउन ऑफिशियल लैंग्वेज इम्प्लीमेंटेशन कमेटी कहते हैं। इसमें उस शहर विशेष में जितने भी केंद्र सरकार के कार्यालय हैं, चाहे वो BSNL है, कोई विश्वविद्यालय है, रेलवे है, केंद्रीय विद्यालय है, कोई निगम है, कोई लिमिटेड है, बैंक है, स्टेट बैंक है, IDBI है, जो भी है, जिसके साथ भी भारत शब्द जुड़ा हुआ है, भारत सरकार का उसमें स्वामित्व है, उस सब को मिलाकर एक समिति उस शहर में बनती है। अब इसकी अध्यक्षता कौन करे, तो उस शहर में भारत सरकार का जो वरिष्ठतम अधिकारी होगा, अगर वो संयुक्त सचिव स्तर का है, अगर वो DRM लेवल का है, अगर वो किसी IIT NIT का ISR का डायरेक्टर है या BSNL का जनरल मैनेजर है, तो जो उन सभी अधिकारियों या किसी बैंक का AGM है, GM है, सीनियर GM है, जो भी है, यानी कि उन उस शहर में जो सीनियर मोस्ट ऑफिसर है वो उस समिति का अध्यक्ष होगा। इसके बाद और नीचे आएंगे तो एक होती है राजभाषा कार्यान्वयन समिति, ऑफिशियल लैंग्वेज इम्प्लीमेंटेशन कमेटी। तो ये उस एक कार्यालय में होती है, जैसे आपका विश्वविद्यालय तो स्टेट का है, मेरा IIT है, ये केंद्र सरकार का है, तो मेरी IIT में या किसी KV में या किसी BSNL के ऑफिस में या किसी बैंक में एक समिति होती है, उसमें जो उसका अध्यक्ष होगा, जो उसका हेड ऑफ द ऑफिस होगा, वो उसका चेयरमैन होगा। ये केंद्रीय हिंदी समिति है, प्रधानमंत्री इसके अध्यक्ष होते हैं, गृह मंत्री उपाध्यक्ष होते हैं, गृह राज्य मंत्री और बाकी सभी मुख्य मुख्य बड़े मंत्री इसके सदस्य होते हैं, और जो राजभाषा विभाग का सचिव है वो इसका सदस्य सचिव होता है। ये आपके यहाँ की प्रतिभा राय मैडम जो हैं, द्रौपदी वाली, बहुत बड़ी साहित्यकार है, बहुत उत्तम उत्कृष्ट साहित्य अगर आपको पढ़ना हो तो प्रतिभा राय जी का पढ़िए, वो इस समिति की सदस्य हैं। मंत्रालयों में जो हिंदी सलाहकार समिति होती है, ये उसके बारे में थोड़ा बताया है, ये संसदीय समिति का मैंने लिंक ऊपर दे दिया है, आप इसमें पढ़ लीजिएगा। ये संसदीय समिति इस समय जो है वो है कि आपके यहाँ के जो भारतीय महाताप साहब हैं वो इस समिति के उपाध्यक्ष हैं। इस समिति में आपके उड़ीसा के भी बहुत सारे सदस्य हैं, और ये समिति 3-3 उप समिति होती है, पहली उप समिति, दूसरी, तीसरी। इनका बंटवारा ऐसे होता है कि पहली उप समिति के साथ कुछ मंत्रालय होते हैं,
दूसरी के साथ कुछ मंत्रालय होते हैं, तीसरी के साथ कुछ मंत्रालय होते हैं। मंत्रालय का आशय इन मंत्रालयों के अंतर्गत जो भी कार्यालय आते हैं ये वहां पर निरीक्षण करने जाते हैं। इसके साथ एक आलेख एवं साक्ष्य उपसमिति भी होती है। ये साक्ष्य उपसमिति क्या करती है, ये कहीं जाके अगर इनका मन करेगा तो ये कहीं जाएंगे और कहेंगे कि आपने जो प्रगति रिपोर्ट दी है उसमें जो आंकड़े आपने भरे हैं दिखाइए, हम उनको चेक करना चाहते हैं। अराकास के कार्य हैं, इससे पहले वाले में केंद्रीय राजभाषा कार्यान्वयन समिति के कार्य हैं, ये राजभाषा कार्यान्वयन समिति के कार्य हैं, ये राजभाषा अधिनियम के 14 चिट्ठियां हैं जो मैंने वहां पे दिखाई थी आपको। ये कार्यशाला आयोजन होता है हर कार्यालय में 3 महीने में, जिससे कि सभी लोग जो कार्मिक लोग हैं वो हिंदी में काम करना सीखें। मैंने एक पॉइंट इसमें ये डाला है कि क्या पानी से रहकर दूर रहकर तैरना सीखा जा सकता है, ये इसलिए डाला है कि जहां मैं कार्यशालाओं में जाता हूँ लोग कहते हैं अरे हमको काम करने की हम कोशिश कर रहे हैं, तो मैं कहता हूँ आप खाना खाते हैं कि खाना खाने की कोशिश करते हैं, तब लोग कहते हैं नहीं खाना की तो कोशिश नहीं करते, खाना तो खाते हैं। तो मेरा कहना होता है कि बिल्कुल उसी तरह से पानी में तैरते हैं कि बिस्तर में बैठ के तैरते हैं या छत पर टहलते हुए तैरते हैं कि नहीं पानी में तैरते हैं। तो ये उदाहरण इसलिए डाला गया है कि यदि आपको हिंदी सीखनी है तो आप हिंदी सीखिए, उसके फिर बहाने मत बनाइए कि हम कोशिश कर रहे हैं हम कोशिश कर रहे हैं, नहीं उल्टा सीधा जो भी आता है बोलना सीखिए, लिखना सीखिए, पढ़ना सीखिए। ये राजभाषा नीति है जो मैं आपको बता चुका हूं। ये कुछ चीजें हैं जिनमें कि आपको ये अच्छा लगेगा कि हिंदी को सीखने के लिए क्या क्या काम कार्यालयों में करने होते हैं। जिन कार्यालयों में 80% या उससे अधिक कर्मचारी यदि हिंदी का कार्य साधक ज्ञान प्राप्त कर लेते हैं, अब ये 3 तरह का ज्ञान है प्रशिक्षण में, 3 तरह का हमने स्तर बनाया भारत सरकार ने, प्रवीण सबसे पहले प्रबोध स्तर, फिर प्रवीण स्तर, फिर प्राज्ञ स्तर। ये प्रवीण प्रबोध प्राज्ञ, प्रबोध सबसे पहला, यानी कि जिन लोगों की मातृभाषा हिंदी नहीं है वो 8वीं के स्तर की हिंदी सीखें, जिनकी मातृभाषा थोड़ी बहुत जानते हैं जिनको कहीं द्वितीय भाषा में उन्होंने हिंदी पढ़ी है वो प्रवीण स्तर की योग्यता प्राप्त करें, और जो हिंदी में कार्य करना सीखना चाहते हैं अच्छी तरह से वो प्राज्ञ स्तर की परीक्षा पास करें। ये आप जो उस साइट पे जब जाएंगे राजभाषा वाली पर, वहां आपको LILA लर्निंग इंडियन लैंग्वेजेस थ्रू आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस LILA यहाँ आपको एक विकल्प मिलेगा कि आप हिंदी उड़िया के माध्यम से भी सीख सकते हैं। अभिषेक जी बाद में कभी ये कक्षा और भी आप रख सकते हैं जिसमें आपको कंप्यूटर संबंधी और जानकारी, एक पूरी क्लास हम बाद में रखेंगे। बिल्कुल सर बिल्कुल ठीक है। ये नियम 12 कहता है कि प्रत्येक कार्यालय का जो कार्यालय प्रधान है ये उसका दायित्व होता है कि वह सुनिश्चित करे कि हिंदी के जो नियम है उनका पालन हो रहा है कि नहीं। प्रशिक्षण के लिए केंद्रीय अनुवाद ब्यूरो की स्थापना की गई। आजकल तो बहुत सारे संस्थान हैं जो कि अनुवाद के डिप्लोमा दे रहे हैं, डिप्लोमा का कार्यक्रम चला रहे हैं। हम लोग थोड़ा पहले वाले हैं तो हमने 3 महीने का एक कोर्स किया था केंद्रीय अनुवाद ब्यूरो नई दिल्ली से, उसके 3 उसके केंद्र भी हैं, उपकेंद्र एक मद्रास में, एक बेंगलोर में है, एक कलकत्ता में है। तो मैं केंद्रीय अनुवाद ब्यूरो में हम लोगों ने 3 महीने का पूरा रेजिडेंशियल शिविर किया हुआ है अनुवाद सीखने के लिए, और मौके के लिए बता दूं कि मैं उस प्रशिक्षण कार्यक्रम का मेडल विनर हूं। ये संकल्प मूल्यांकन रिपोर्ट के लिए संसद में पास हुआ, उसके बारे में मैंने आपको बताया, नीति का बता दिया, नियम 76 आ गया है, कार्यसाधक ज्ञान के लिए मैंने आपको बता ही दिया कि मैट्रिक या समतुल्य, प्राज्ञ उत्तीर्ण, और ये एक स्तर ये भी है, जैसे कि हो सकता है कि आपने हिंदी से आपको बहुत लगाव है किसी कर्मचारी के बारे में, ये जो भारत सरकार का कर्मचारी है कि वो हिंदी पढ़ना जानता है, लिखना जानता है, समझना जानता है, लेकिन हो सकता है कि उसने
कहीं हिंदी का कोई डिग्री पास न किया हो, हिंदी की कोई परीक्षा पास न की हो। तो अगर वो ये कहता है कि नहीं मैं ये लिख के दे रहा हूँ कि मुझे हिंदी आती है, मैं अपनी सरकारी चिट्ठी हिंदी में बना सकता हूँ, तो वो एक डिक्लेरेशन दे सकता है। तो हम उसके डिक्लेरेशन को भी स्वीकार करते हुए कह देते हैं कि हाँ इसे हिंदी का कार्य साधक ज्ञान प्राप्त है। मैं बार बार कार्य साधक ज्ञान का शब्द प्रयोग क्यों कर रहा हूँ, वो इसलिए कि भारत सरकार की ये नीति है कि भारत सरकार के हर कर्मचारी को, और यहाँ कर्मचारी में स्टाफ ही नहीं, सब कोई, स्टाफ, ऑफिसर, हेड ऑफ द ऑफिस, मंत्री, प्रधानमंत्री, कोई भी जो भारत सरकार से तनख्वाह पाता है वो भारत सरकार का कर्मचारी है, उसको हिंदी का कार्य साधक ज्ञान, कार्य साधक ज्ञान यानी कि वर्किंग नॉलेज अंग्रेजी में, वर्किंग नॉलेज यानी कि जो उसका काम है, जिसे कि वो अंग्रेजी में करता है, उस काम को हिंदी में करने लायक ज्ञान यदि उसको है। उदाहरण के लिए एक कोई ड्राइवर है, अब ड्राइवर को मान लिया एक सिर्फ लॉग बुक भरनी है, गाड़ी नंबर फला फला, कहां से कहां तक चली, यहां से वहां तक चली, कितने किलोमीटर चली, इतनी चली, कितने लीटर डीजल डलवाया गया, इतने लीटर डलवाए, ये चार पांच जगह ड्राइवर को भरने हैं, हस्ताक्षर करने। तो इतना अगर वह हिंदी में लिख सकता है तो ये उसके लिए कार्य साधक ज्ञान प्राप्त होना हो गया। उसके लिए जरूरी नहीं है कि आप उसको प्राज्ञ कराएं, कि फिर एक नया कोर्स और शुरू हुआ है पारंगत, पारंगत यानी कि यह व्यक्ति जिसने पारंगत पाठ्यक्रम किया है यह हिंदी विषय में पारंगत है, पारंगत यानी कि हिंदी साहित्य में एमए है। हिंदी में जितना सरकारी कामकाज करने के लिए विद्वता चाहिए, शब्द चाहिए, वाक्य विन्यास चाहिए, ज्ञान चाहिए, बुद्धि चाहिए, अनुभव चाहिए, लिखने की कला चाहिए, उतना इसको आता है। तो एक चौथा पाठ्यक्रम भी शुरू हुआ है पारंगत, ये सरकार के लिए नियम है सरकारी कार्यक्रम में कि ये सब चीजें द्विभाषी होनी चाहिए। ये कुछ प्रोत्साहन योजनाएं भी भारत सरकार की हैं कि यदि उनके कर्मचारी कुछ सरकार के मदद करने के लिए हिंदी में काम करते हैं तो उनको कुछ प्रोत्साहन भी दिया जाएगा। कंप्यूटर और राजभाषा में एक मेरी पूरी अलग क्लास हो सकती है, बाद में कभी देखेंगे इसके बारे में। अब ये एक छोटा सा मेरा सभी से निवेदन है कि हिंदी समस्या नहीं है, आप दो स्लाइड देख रहे हैं, समस्या मानने वाले लोग हाथी को पीछे से धकेलते हैं और परेशान रहते हैं, ऐसे पसीना छुटाते हैं, अरे हम बहुत परेशान हैं, अरे हम बहुत परेशान हैं, अरे हम बहुत परेशान हैं। लेकिन दूसरी ओर उसका सॉल्यूशन क्या है, उसका सॉल्यूशन यह है हाथी को संभालना सीखिए, हाथी के ऊपर सवारी करिए, छोटा सा एक चावुक लीजिए और उससे हाथी को नियंत्रित करिए। ये मेरा प्रेजेंटेशन था, अभी ये खत्म होता है, अब हम अपनी नॉर्मल प्रेजेंटेशन पर आते हैं। अभिषेक जी, जी सर, इस प्रेजेंटेशन के साथ जो हमारा करिकुलम है, मोटा मोटा मुझे लगता है कि वो हमने पूरा टच कर दिया, ठीक है? तो जी सर, ये अब आप अपने विद्यार्थियों से कहिए कि वो एक-एक कर, कितने विद्यार्थी हैं इस समय क्लास में? सब 20 से ज्यादा हैं। 20 से ज्यादा है, तो अभी हमारे पास 20-25 मिनट, बल्कि आधे घंटे से भी ज्यादा समय है। जी, तो एक एक करके वो अपना स्पेसिफिक सवाल, स्पेसिफिक कि इस पूरे विषय को और बेहतर तरीके से समझने के लिए आपको और क्या जानना चाहते हैं आप? जी। विद्यार्थियों, आपसे निवेदन है कि आप अपने प्रश्न, जो अभी जिस सर ने जो स्लाइड प्रस्तुत किया, उस विषय से संबंधित आपके जो भी प्रश्न है वो आप नियमित रूप से चैट बॉक्स के माध्यम से लिख करके समक्ष रखें, अथवा आप चाहें तो अपने माइक को अनम्यूट करके सीधे सीधे तौर पर भी सर से पूछ सकते हैं। एक्सपर्ट पॉसिबल है, तो बहुत है। तो आई वांट टू सी द बिग थिंग जो है,
कोई कुछ बोल रहे हैं कि मैं सुन नहीं पा रहा हूँ अच्छी तरह? नहीं नहीं सर, विद्यार्थी सर कुछ बोल नहीं रहे हैं अभी। अच्छा कोई बात नहीं, तो आप एक काम कर लीजिए, वो आपको लिखित में देते रहें। जी 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 ठीक है, लिखित में देते रहें। और इसके साथ साथ इसमें बहुत महत्वपूर्ण चीजें थी जो कि हमने जल्दी जल्दी, हाँ एक सवाल आया है तूलिका विश्वास का। जी जी नहीं सवाल तो है मैम का, दो मैं सोचा पहले विद्यार्थी पूछ ले उसके। हाँ पहले पूछ ले तो ज्यादा अच्छा होता है। लगता है विद्यार्थियों के बीच में संघर्ष हो रहा है कि वो अपने दिल की सुने कि अकल की सुने। जी जी हाँ, विद्यार्थियों को प्रश्न आता है उसमें मैं कुमार वारावंकी, हमारे हिंदी उर्दू के एक बहुत बड़े शायर हुए हैं, उनका एक बहुत पुराना एक बहुत मौजूद शेर है कि दिल और अक्ल जब अपनी अपनी कहें खुमार, दिल और अक्ल जब अपनी अपनी कहें खुमार, अक्ल की सुनिए पर दिल का कहा करिए। तो जो आपके दिल में है वो आप कहा करिए, उसको करिए जो आपके दिल में है। पिछली बार किसी ने कहा था ना कि सर ने आज शेर कुछ कम सुनाए हैं, तो मैं सोच रहा हूँ कि आज आप लोगों को एक दो शेर सुनाऊंगा यदि वो मौके के अनुकूल होंगे तो। जी 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 बिल्कुल जी। सर शेर सुनने के लिए हम बाद में कोई कार्यक्रम करेंगे, अभी आप पाठ्यक्रम की बात कर लीजिए वो बेहतर होगा। जी जी सर, एक विद्यार्थी ने सर प्रश्न पूछा है कि अब तक राजभाषा संबंधित कितने अधिनियम बन चुके हैं? अच्छा देखिए, अधिनियम का जहां तक प्रश्न है, अधिनियम तो एक ही बना है, राजभाषा अधिनियम 1963, अधिनियम एक ही बना है, उसमें समय समय पर संशोधन हुए हैं। अधिनियम अगर आप लोग संसदीय प्रणाली से परिचित हों या थोड़ा सा आप पढ़िएगा, अधिनियम बार बार नहीं बनते हैं, अधिनियम बनते हैं फिर जैसी आवश्यकता होती है संसद उनमें संशोधन करती है। जैसे राजभाषा संबंधी एक अधिनियम बन गया 1963, अब इसमें यथा संशोधित 1967, एक संशोधन 1967 में हुआ, अब 1967 के बाद अब फिर इसमें संशोधन हुआ, क्योंकि अब देखिए जम्मू कश्मीर लद्दाख तीन अलग अलग क्षेत्र बन गए, तो उसका जो हमारा क ख ग क्षेत्रों में जो बंटवारा है तो वो पहले सिर्फ जम्मू और कश्मीर लागू होता था, जम्मू कश्मीर पर लागू नहीं, 1963 में लिखा हुआ था जम्मू कश्मीर पर लागू नहीं, लेकिन अब सब कुछ लागू होगा। तो ये जैसे जैसे राष्ट्र की राजनीति की परिस्थितियां बदलती हैं उस हिसाब से उन अधिनियमों में संसद संशोधन करती है। तो अधिनियम एक ही बना है, राजभाषा अधिनियम 1963, उसके बाद व्यवहारिक तौर पर हिंदी को कैसे लागू किया जाए इसलिए राजभाषा नियम 1976 बना था, केंद्र सरकार के कार्यालयों और राज्यों के बीच के पत्राचार को नीतिगत स्वरूप प्रदान करने के लिए राजभाषा नियम 1976 बना था। जी सर, जी सर। जिसमें कि 12 नियम है, राजभाषा 12 नियम है वो आपको दिए हुए हैं, उसमें मोटा मोटी क्या आता है, मूल रूप से आता है कि कहाँ कैसे अनुवाद भेजना है, किसका दायित्व है, अगर कोई कर्मचारी ये किया हुआ है तो हिंदी में अनुवाद नहीं मांग सकता, जो 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 मैनुअल्स हैं, जो स्टैट्यूट्स हैं, जो उन सबको द्विभाषी होना चाहिए, रबर की मोहरें द्विभाषी होनी चाहिए, सभी बोर्ड द्विभाषी होने चाहिए, जहाँ राज्य सरकार की भाषा है अगर कोई त्रिभाषी बोर्ड बनना है, जो पब्लिक नोटिस बोर्ड है, जन सूचना बोर्ड है, तो पहले आएगी मातृभाषा राज्य की भाषा। जैसे अगर कोई संबलपुर में कोई केंद्रीय कार्यालय है तो उसका जो नाम लिखा जाएगा वो इस क्रम में लिखा जाएगा, पहले लिखा जाएगा उड़िया में, फिर लिखा जाएगा हिंदी में, फिर लिखा जाएगा अंग्रेजी में, और तीनों भाषाओं का अक्षर एक ही आकार का होगा, क्रम उड़िया हिंदी अंग्रेजी। इसी तरह से नियम 12 कहता है कि किसी भी कार्यालय में हिंदी लागू होने का जो दायित्व है वह दायित्व होगा किसका, आपके कार्यालय प्रमुख का, क्योंकि संविधान निर्माताओं को भी ये पता था कि हम संविधान में लिख जरूर दें लेकिन
कार्यालय में हिंदी को लागू कराना किसके बस की बात है, जो कार्यालय प्रमुख होगा वही करा पाएगा। इसीलिए 1976 में जो राजभाषा नियम बना, उस राजभाषा नियम में नियम 12 ये कहता है स्पष्ट तौर पर कि हिंदी की प्रगति या हिंदी को लागू करने का जो दायित्व तो है उसके कार्यालय में, ये उस कार्यालय के प्रमुख का होगा। तो इसी के लिए जो हमने आपको बताया था ना राजभाषा कार्यान्वयन समिति, तो राजभाषा कार्यान्वयन समिति का जो संस्थान में जो बनती है किसी भी ऑफिस की जो ओलिक होती है, उस ओलिक में इसीलिए उसकी चेयरमैनशिप जो होती है उस कार्यालय के प्रमुख की होती है, उसका जो प्रमुख होता है वो उसकी होती है। और इसी में हिंदी में प्रवीणता का, हिंदी में प्राग जो कार्य साधक ज्ञान का, आभाषा का ख ग क्षेत्र में बांटने का, हिंदी का कार्य साधक ज्ञान आता है नियम 10 में। और राज्य और केंद्र सरकार के बीच में जो पत्राचार होना है कितने परसेंट होना है, जैसे अभी 2020-21 चल रहा है तो मैंने जो आपको साइट बताई थी rajbhasha.nic.in, उस पर आप देखेंगे एक लिंक मिलेगा वार्षिक कार्यक्रम। ये वार्षिक कार्यक्रम क्या है जी, ये वार्षिक कार्यक्रम केंद्र सरकार हमको, केंद्र सरकार के सभी कार्यालयों को हर वर्ष जारी करती है 1 अप्रैल से, कि इस वर्ष के 1 अप्रैल से अगले वर्ष की 31 मार्च के बीच में ये आपके लक्ष्य हैं। अगर आप यहाँ से वहाँ क से क क्षेत्र में चिट्ठी लिख रहे हैं तो कितने प्रतिशत हिंदी होनी चाहिए, क से ख में लिख रहे हैं, क से ग में लिख रहे हैं, ख से क में लिख रहे हैं, ख से ग में लिख रहे हैं, ग से क में लिख रहे हैं, ग से ख में लिख रहे हैं, ग से ग में लिख रहे हैं, या आप राज्य सरकार के किसी व्यक्ति को लिख रहे हैं या किसी आम जनता को लिख रहे हैं, तो ये सब जो है उसमें आता है निर्धारित। अगर आप सिलेक्शन कर रहे हैं तो कितने प्रतिशत लोग आपके हिंदी जानकारी होने चाहिए, कितने लोग हिंदी टंकक होने चाहिए, आपकी लाइब्रेरी में अगर 2 लाख रुपए की किताबें खरीदी जा रही हैं तो 1 लाख रुपए की किताबें हिंदी की भी होनी चाहिए, अगर आपके यहाँ 100 कंप्यूटर खरीदे जा रहे हैं तो सारे के सारे कंप्यूटरों में हिंदी समर्थन होना चाहिए। ऐसा ना हो कि कल को कोई कर्मचारी ये कह दे नहीं जी मेरे कंप्यूटर में हिंदी नहीं है। तो ये सब 1976 के उन 10 नियमों में उस वार्षिक लक्ष्य में आता है। और वो वार्षिक लक्ष्य हम किसके तहत केंद्र सरकार जारी करती है, नियम 1976 के नियम 3 के अंतर्गत, ठीक है। इसी तरह से नियम 5 होता है केंद्र सरकार के कार्यालयों के बीच पत्राचार होता है, फिर 10 होता है हिंदी और अंग्रेजी का प्रयोग हम नियम 6 के तहत कहीं ना कहीं कर सकते हैं। कैसे कर सकते हैं कि कहीं हिंदी भी लगेगा कहीं अंग्रेजी भी लगेगा, कुछ रिपोर्टें हैं कुछ दस्तावेज हैं जो कि जहां आप भेज रहे हो वहां उनको मान लिया हिंदी नहीं आती है तो वो अंग्रेजी में भी तैयार करना पड़ेगा, द्विभाषी तैयार करना पड़ेगा। कोई भी कर्मचारी नियम 7 के अंतर्गत अपनी भाषा में हिंदी अंग्रेजी में कोई भी अपील कर सकता है, कोई भी केस दायर कर सकता है, एप्लीकेशन दे सकता है, ठीक है ना। तो ये सब चीजें, कोई भी टिप्पणी आप हिंदी अंग्रेजी में लिख सकते हैं, ये आपको छूट देता है नियम 76 का नियम 8वां, ठीक है। और इसी तरह से जो नियम 11 है वो कहता है केंद्र सरकार के कार्यालय में जो प्रयोग में आने वाले जितने डॉक्यूमेंट हैं, कोई मैनुअल है, कोई संहिता है, प्रक्रिया साहित्य है, वो सब आपका दोनों लेखन सामग्री है, लेटर हेड है, कोई विजिटिंग कार्ड है, कोई पैम्पलेट है, कोई बैनर है, ये सब जो है रजिस्टरों के हेडिंग्स हैं, ये सब क्या होने चाहिए, ये बाइलिंगुअल होने चाहिए। और अनुपालन का उत्तरदायित्व मैंने आपको बता ही दिया कि वो आपका जो केंद्र सरकार का कर्मचारी है, जो कार्यालय प्रमुख है, जिस कार्यालय में वो कर्मचारी काम करता है, उसके कार्यालय के प्रमुख का ये दायित्व तो है कि वह सुनिश्चित करेगा कि अधिनियम और नियमों के उपबंध और उपनियमों का उसके कार्यालय में पूरी तरह से पालन हो रहा है कि नहीं। और इसके लिए वो क्या करेगा, एक चेक सिस्टम बनाएगा, उपयुक्त और प्रभावकारी जांच के लिए उपाय करेगा। तो ये सब उसके दायित्वों में आता है और समय समय पर वो उन नियमों को लागू करने के लिए ऑर्डर्स जारी कर सकता है, वो ये ऑर्डर दे सकता है। जैसे मैं हूं, अगर मैं अपने डायरेक्टर से ऑर्डर पाऊं कि फलां फलां को ऑर्डर दीजिए कि वो कल से अपना सारा काम हिंदी में करेंगे, तो मैं उनको ये ऑर्डर लिखूंगा, आदेश सक्षम प्राधिकारी द्वारा यह आदेशित किया जाता है कि श्री मानस कुमार मंडल
दिनांक 1 जून 2020 से अपने कार्यालय का समस्त कामकाज हिंदी में करेंगे आदेश। तो ये सब चीजें आती हैं आपके नियम 1976 में। जी जी सर, बहुत बहुत धन्यवाद विद्यार्थियों को। चूंकि सर प्रश्न बहुत कुछ आ सकते हैं, उधर मैं आपके समक्ष रखने से पहले एक चीज मैं आपसे जस्ट रिक्वेस्ट समझिए रिक्वेस्ट करूंगा कि सर क ख ग जो क्षेत्र है उससे विद्यार्थियों को थोड़ा समझा दिए, क्योंकि मैं देखता हूँ विद्यार्थी उसमें बहुत ज्यादा कंफ्यूज हो जाते हैं क ख ग क्षेत्र क्या है। तो उसको अच्छा, पहले अच्छा। सर आप उस पर थोड़ी अपनी दृष्टि डालिए, उसके प्रश्न बहुत सारे हैं उस पर हम बात करेंगे। देखिए इसको बहुत सिंपल मैं बताया हूं, आप और ध्यान से सुनिए। क क्षेत्र है वह क्षेत्र जिनकी भाषा हिंदी है, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, दिल्ली, ये बिहार, यानी जिन प्रदेशों की भाषा हिंदी है, शुद्ध हिंदी, खड़ी बोली हिंदी। किसी ने एक प्रश्न पूछा था कि अंडमान निकोबार का क्षेत्र में कैसे आ गया। अंडमान निकोबार में जब संविधान लागू हुआ था उस समय हिंदी बोलने वाले लोगों की संख्या बहुत ज्यादा थी और आज भी है। तो अंडमान निकोबार शुरुआत से ही कच्छ क्षेत्र में है। अब आता है कच्छ क्षेत्र, ऐसे क्षेत्र जहां हिंदी जैसी भाषा है, जिनकी लिपि देवनागरी जैसी, देवनागरी में ही वो लिखी जाती है, जैसे गुजराती, जैसे मराठी, जैसे गोवा। तो जिन क्षेत्र दादर नागर हवेली, दमन, दीव, पंजाब, तो जिन क्षेत्रों में हिंदी जैसा ही उनकी लेखन, उनकी शैली है, सिरोरेखा खींची जाती है या नहीं खींची जाती है वो एक अलग विषय है, लेकिन वो लिपि देवनागरी जैसी लगती है, यानी कि वो हिंदी समझते हैं ठीक ठीक, उन क्षेत्रों को रखा गया ख क्षेत्र में। अब बचा शेष हिंदुस्तान, यानी कि जहां न तो हिंदी भाषा और न उसकी देवनागरी लिपि है, जैसे बाकी पूरा आपका दक्षिण भारत, उधर पूर्वोत्तर भारत, उधर कश्मीर, जहां के हिंदी जहां भाषा नहीं है, लिपि देवनागरी नहीं है, उन क्षेत्रों को रखा गया ग क्षेत्र में। समझ में आ गया? अभी कोई सवाल हो तो बताएं। जी जी नहीं सर, विद्यार्थियों कई बार मैं भी क्लासेस वगैरह लेता हूँ, देखता हूँ बहुत ज्यादा कंफ्यूज हो जाते हैं, इसलिए मैंने आपसे आग्रह किया उन कंफ्यूजन भी दूर हो जाता दोबारा। हाँ, 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 वो जी सर, वो उनके हमारे क ख ग का जो निर्माण किया गया वो किया गया पत्राचार के प्रतिशत और पत्राचार की उस आमद रफ्त को बनाने के लिए कि क क्षेत्र है तो क क्षेत्र में हिंदी चले, क से ख है तो उसमें हिंदी का प्रतिशत 55% रहे, क से ग है तो वहां पर कुछ और कम कर सकते हैं। तो ये जो निर्धारित हुआ है लक्ष्य, उस क और ख और ग के आधार पर ही निर्धारित होता है। जी सर, सर धन्यवाद। एक प्रश्न सर मैं उठाता हूँ विद्यार्थियों, क्योंकि प्रश्न बहुत सारे पूछे हैं, शुरुआत करते हैं वहीं से। तुलिका जी पूछती हैं कि संसदीय समिति के 3 उप समितियां और आलेख और साक्ष्य समिति में क्या अंतर है? क्या अच्छा, आलेख अच्छा। और साक्ष्य समिति भी निरीक्षण करती है जिस प्रकार उप समितियां करती हैं? हाँ, इसको आप ऐसे समझ लीजिए कि जो संसद की समिति है उसके 30 सदस्य हैं, 20 सदस्य लोकसभा से, 10 सदस्य राज्यसभा से, तो उसका 3 उप समितियां बना दी जाती हैं। अब ये मान लीजिए कि भारत सरकार के करीब करीब 60 मंत्रालय हैं, उदाहरण के लिए, तो 60 मंत्रालयों को 20-20 के वर्ग में रख लीजिए,
पहली उपसमिति के साथ पहले 20 मंत्रालय। अब उस मंत्रालय का अर्थ ये हुआ, जैसे कि एक उदाहरण से समझिए, जैसे कि आईआईटी है। अब ये आईआईटी मानव संसाधन एवं विकास मंत्रालय के अंतर्गत आती है। आपके यहां संबलपुर में हीराकुंड बांध, ये आता है मान लिया जल मंत्रालय के अंतर्गत। और आपके यहाँ एक बैंक है, वो आती है वित्त सेवाओं के मंत्रालय के अंतर्गत। आपके यहाँ BSNL है, वो आता है संचार मंत्रालय के अंतर्गत। रेलवे है, वो आएगा रेल मंत्रालय के अंतर्गत। तो अब आप सोचिए कि एक ही शहर में कितनी तरह के मंत्रालयों के अंतर्गत के कार्यालय हैं, और हर मंत्रालय के अंतर्गत कार्यालय जितने हैं उन सबकी कार्य की प्रवृत्ति भी अलग अलग होती है। तो कोई समिति एक मंत्रालय के अंतर्गत के कार्यालय का निरीक्षण करने जाती है, तो इसलिए 3 उपसमितियां बनाई गई कि उन समितियों को वहां के मंत्रालय के अंतर्गत आने वाले कार्यालयों के कामकाज की जानकारी हो जाए। जैसे यूनिवर्सिटी, आईआईटी, एनआईटी, आईएसआर, नाइसर, अब ये एजुकेशन है, तो इस एजुकेशन के कार्यालय में काम करने का जो ढंग होगा वो निश्चित रूप से रेल विभाग की तरह नहीं होगा। तो इसीलिए ये तीनों उपसमितियां विभिन्न विभिन्न मंत्रालयों के एक वर्ग समूह के आधार पर अलग अलग कर दी गई। तीनों की शक्ति, तीनों के अधिकार बिल्कुल समान हैं। ठीक, अच्छा, अब आया उप साक्ष्य एवं साक्ष्य समिति, उप समिति। ये समिति एक अलग से समिति नहीं है। कभी कभी क्या होता है कि निरीक्षण के दौरान या निरीक्षण से पहले या निरीक्षण के बाद समिति को ऐसा लगता है कि नहीं, आज के निरीक्षण में हमारा काम पूरा नहीं हुआ और हमें इस कार्यालय पर थोड़ा और अधिक ध्यान देना है जिससे कि इनके काम काज में हिंदी का प्रतिशत बढ़े, या उनको लगता है कि ये दिखा रहे हैं कि हिंदी में कार्य 100%। अब वो लोग तो मंत्रालय में भी जाते हैं, वो मंत्रालय में भी देखते हैं, तो मंत्रालय में देखा कि उनको लगा कि जब मान लिया आपके ओरिएंटल बैंक का हेडक्वार्टर मान लीजिए संबलपुर में है, उदाहरण के लिए, तो उदाहरण के लिए ओरिएंटल बैंक के मुख्यालय में जब समिति गई और उन्होंने पाया कि यहाँ पर पत्राचार हिंदी में है 10%, लेकिन जब वो आए संबलपुर में आए या भुवनेश्वर में आए और वहां पर उन्होंने देखा कि वहां की रिपोर्ट में लिखा हुआ है पत्राचार 100%, तो दोनों में क्लैश हो गया ना, दोनों आंकड़ों में। तब वो साक्ष्य उपसमिति कह सकती है कि हम अब इन आंकड़ों की जांच करेंगे, हम उन अधिकारियों से प्रश्न पूछेंगे, हम वहां पर जांच करने जाएंगे, हम दौरा करने जाएंगे। तो उपसमिति साक्ष्य समिति के दौरे को भी संसदीय समिति के दौरे के समान ही मान्यता है और वह अपनी रिपोर्ट समिति को, उपसमिति को देती है। जी जी सर, बहुत बहुत धन्यवाद सर। दूसरा प्रश्न सर और एक उठाते हैं, विद्यार्थियों के बीच में प्रश्न लगातार आ भी रहे, अच्छी बात है कि लगातार इस विषय पर प्रश्न पूछ रहे हैं। एक विद्यार्थी पूछते हैं, अब तक राजभाषा संबंधी में ये तो पूछ चुका हूँ, हाँ विद्यार्थी ये पूछे कि किसी भाषा को संविधान की सूची में, जैसे 8वीं सूची अभी हम लोग बात करते हैं, तो सूची में आने के लिए क्या करना होता है या उसकी क्या प्रक्रिया है? बहुत बढ़िया सवाल है, लेकिन मैं आपको बताऊं कि अभी संविधान की जो अनुसूची 8वीं अनुसूची में जो 22 भाषाएं हैं, पिछले दिनों शायद आप लोग परिचित होंगे कि 2 वर्ष पहले बहुत जोर शोर से आंदोलन चला था भोजपुरी को संविधान की 8वीं अनुसूची में डालने के लिए।
उसके बाद एक आंदोलन चला राजस्थानी को डालने के लिए, और समय समय पर बहुत से आंदोलन चलते रहते हैं। इसके लिए केंद्र सरकार की एक प्रक्रिया है, संसद की एक प्रक्रिया है, जिसके तहत उस भाषा को बोलने वाले सदस्यों का एक निर्धारित प्रतिशत होना चाहिए और वह इतना पर्याप्त हो कि उस भाषा को केंद्र के संरक्षण की आवश्यकता हो, उस भाषा को केंद्र के संरक्षण की आवश्यकता हो। जैसे आपने सूची में देखा होगा सिंधी बहुत ज्यादा लोग नहीं बोलते, कोंकणी बहुत कम लोग बोलते हैं, लेकिन अगर केंद्र इन भाषाओं को संरक्षण न दे तो इनकी पांडुलिपियां, इनका पुराना साहित्य वो सब नष्ट हो जाएगा। तो इसीलिए केंद्र सरकार उन भाषाओं के साहित्य को, साहित्यकारों को दान अनुदान देने के लिए उससे संबंधित पीठ, उससे संबंधित विश्वविद्यालय, उससे संबंधित शोध अनुसंधान केंद्र वगैरह खोल के उनका संरक्षण और संवर्धन करती है। और अब इसमें राजनीति भी बहुत होती है क्योंकि फंड्स आते हैं बहुत ज्यादा, तो लोगों का अब एक राजनीति का भी हथकंडा बन गया है कि हमारी भाषा अनुसूची में जाए। लेकिन मेरा अपना मानना यह है, और एक कलकत्ता के प्रोफेसर अमरनाथ हैं, शायद आप लोग कभी परिचित रहे हो, बहुत अच्छे विद्वान हैं, उन्होंने एक पूरा का पूरा आंदोलन चलाया, हिंदी बचाओ मंच, और देश के बड़े मूर्धन्य पत्रकार, बड़े बड़े विद्वान, राहुल देव जी, प्रभु जोशी जी और बड़े बड़े लोग इसमें शामिल हुए, यह बता के उन्हें बताने के लिए कि वो जाके फिर गृह मंत्री से मिले, उनको यह समझाया कि भोजपुरी को अगर आपने हिंदी से अलग कर दिया तो हिंदी कमजोर होगी। आप बताइए कि विद्यापति को आप किसका कवि मानेंगे, हिंदी का कि भोजपुरी का? आप फणीश्वरनाथ रेणु के उपन्यास को हिंदी का उपन्यास मानेंगे या भोजपुरी का? और अगर आप भोजपुरी का मानेंगे भी, तब भी तो हिंदी का ही पाठक पढ़ रहा है ना उसको। नामवर सिंह जी ने एक जगह लिखा कहीं बाद में कि मैंने गलती की कि मैंने इसको आंचलिक उपन्यास मान लिया, ये तो हिंदी का उपन्यास। तो अगर अब जैसे अब गंगा है, अब गंगा एकमात्र गंगा तो है नहीं, गंगा में कितनी ही धाराएं मिलती हैं, कितनी छोटी छोटी धाराएं मिलती हैं, मिलती चलती हैं और वो गंगा बनती है। तो अगर छोटी छोटी धाराएं कल को निकल के खड़ा होना चाहें कि नहीं हमको हिंदी से निकलना है, हमको गंगा से निकलना है, तो फिर कहीं गंगा बचेगी क्या? नहीं बचेगी। तो इसीलिए भारत सरकार ने अनुच्छेद अष्टम अनुसूची में जो 22 भाषाएं रखी हैं, शायद अब इसमें और भाषाओं के जुड़ने की संभावना नहीं है। जी जी सर, निश्चित रूप से। हाँ, ये बात सही है कि आजकल भाषाओं के माध्यम से राजनीति सबसे बड़ा एक जरिया बन चुकी है। बस 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 वही हो गया है जी सर। आगे बढ़ते हैं सर, और भी प्रश्न है, प्रश्न लेते जाते हैं। हाँ, एक तुलिका जी ने वापस एक प्रश्न किया है कि कुछ संस्थाओं के नामकरण में हिंदी अनुवाद लिया गया है, जैसे कि भारतीय स्टेट बैंक को देखें, और कुछ संस्थानों के नामकरण में अंग्रेजी को ही रहने दिया गया, जैसे बैंक ऑफ बड़ौदा, तो इसमें एकरूपता क्यों नहीं पाई गई है, क्यों नहीं रखी गई है एकरूपता? देखो, इसमें एकरूपता रखने का अवश्य प्रयास किया गया था और अभी भी किया जाता है, लेकिन होता क्या है कि ये तो अब आपके हमारे आज के युग में है कि हम वर्चुअल क्लास ले रहे हैं, संचार माध्यम इतना उन्नत अवस्था में पहुंच गए हैं, तो पहले जब इन संस्थाओं के नाम होते थे इतना संपर्क प्रगाढ़ नहीं था, त्वरित नहीं था, और ये संस्थाएं, बहुत सी संस्थाएं पहले सरकारी नहीं थी, बहुत सी बैंक पहले निजी बैंक थी, निजी सेठ साहूकारों ने शुरू की थी,
तो जब भारत सरकार ने उनका अडॉप्शन किया, उनका विलय किया, उनका अंगीकरण किया, तो उन संस्थाओं का भी यह मन था, उन संस्थाओं का भी यह आग्रह था कि हम इसी नाम से दुनिया में जाने जाते हैं, तो हमारा यही नाम रहने दिया जाए। कुछ अंग्रेजी के, उर्दू के, फारसी के शब्द हिंदी में इतना रच बस गए हैं, घुल मिल गए हैं कि उन्हें हिंदी से नहीं निकाला जा सकता। तो इसीलिए वो अंग्रेजी के शब्द अब हिंदी में ही इतना समा गए हैं कि वो हिंदी का ही शब्द हो गए, और यही हिंदी की शब्द संपदा को बढ़ाने का तरीका भी है। दुराग्रही नहीं होना चाहिए कि आप जो शब्द यदि हमारे घर में आ गया है और रच बस गया है, तो अब हम उसको बाहर निकाल फेंकें और उसकी जगह पर बहुत विचित्र हिंदी का शब्द बनाएं। नहीं, उसको रहने दीजिए अगर वो प्रचलन में है, नंबर एक। लेकिन साथ ही दूसरी चीज एक और भी है। दूसरी चीज ये है कि यदि हमारे पास हमारी भाषा का, हमारी मातृभाषा का, उड़िया का, बंगला का, तमिल का, तेलुगु का शब्द है, हिंदी का शब्द है, तो हम जबरदस्ती उसके लिए अंग्रेजी शब्द न लाएं, यह भी गलत है। जैसे हमारे पास अच्छा भला शब्द है मेज, हालांकि मेज भी हिंदी का नहीं है, लेकिन मेज हिंदी में चल रहा है, चल गया है, स्वीकार है, तो अब मेज को मेज रहने दीजिए, उसको टेबल क्यों कर रहे हैं जी आप? मेज भी हिंदी का शब्द नहीं है। रेलगाड़ी, ब्रश, कमीज, ये बटन, कोई भी शब्द आप कितने ही शब्द उठा के देखिए, ये सब फारसी से आए हैं, कोई उर्दू से आए हैं। यकीन, माना कि तुम्हें यकीन नहीं है, तुम्हें विश्वास नहीं है, दोनों चीज बराबर हैं, लेकिन यदि आप कहीं बोल रहे हैं या लिख रहे हैं तो यकीन लिखिए, यकीन को हिंदी ने स्वीकार कर लिया। तो जो नामकरण की जो समस्या थी उसमें बहुत सी बातें ऐसी थी, जैसे कि आप देखते होंगे कि आजकल समाज में अंतरजातीय विवाह काफी होते हैं। आज से 20, 30, 50 वर्ष पहले एक सामाजिक व्यवस्था थी कि विवाह के पश्चात कन्या पति का सरनेम अपने नाम के आगे लगाया करती थी, ये आपने देखा। लेकिन धीरे धीरे इस परंपरा में एक अंतर आ रहा है। अब अंतर जातीय विवाह के बाद भी लड़की पति के सरनेम को स्वीकार करती है, किंतु अपना सरनेम साथ में रखते हुए। आप ऐसे नाम अब सामान्यतया कहीं भी लेटर हेड में, ईमेल में आप पाएंगे, जैसे सरिता पांडे महापात्रा, तो ये क्या है कि ये अपने नाम के प्रति एक आग्रह था कि भाई हमारा विवाह अवश्य हो रहा है, लेकिन हम अपना सरनेम बरकरार रखेंगे। दूसरे पक्ष ने इसको स्वीकार किया। यही चीज केंद्र सरकार के कार्यालयों के नामकरण में भी लागू हुई। अब जैसे बहुत सी कंपनी है जो पहले प्राइवेट कंपनी थी, लेकिन वह जब भारत सरकार ने उनको लिया या भारत सरकार की इक्विटी उनमें बढ़ी, तो अब उस नाम को पूरी तरह से हिंदी में करना उचित भी नहीं है। अब भारत है, BHEL लीजिए, भारत सरकार की महार नवरत्न कंपनी है, उसका नाम सबसे पहले रखा गया भारत हैवी इलेक्ट्रिकल्स लिमिटेड, अब वो भारत सरकार की हो गई, भारत सरकार की इक्विटी उसमें बढ़ गई। तो अब इसको यदि आप हिंदी में इसका नाम रखें कि भारत उच्च विद्युत लिमिटेड, तो जो BHEL देश विदेशों से करोड़ों अरबों खरबों का कारोबार करती है, टरबाइन बनाती है, एक्सेल बनाती है, ये फिर रशिया और जापान के साथ अगर इस नाम को भेजेगी
भारत उच्च विद्युत लिमिटेड, तो कोई समझेगा, इसीलिए उस नाम को BHEL ही रखा गया। तो जहां नामकरण होता है उसके अनुवाद नहीं किए जाते। जैसे किसी का व्यक्तिगत नाम है, आपका नाम सूर्य प्रकाश सिंह है, अगर आप अंग्रेजी में लिखेंगे तो सनलाइट लॉइन थोड़ी लिखेंगे, तो इसी प्रकार से जो नामकरण है संस्थाओं का वह उनके प्रचलित नामों के साथ ही रहने दिया गया है और उसमें इंग्लिश के भी शब्द हैं। जी सुनिश्चित रूप से। सर आगे बढ़ते हैं सर, और कुछ प्रश्न है उन्हें पहले लेते हैं। एक प्रश्न है कि जब हम लोग बात करते हैं संस्थाओं की, कोई भी संस्था हो, वहाँ पे हम लोग बोर्ड देखते हैं या पत्र शीर्षक जो रहता है, नाम के कार्ड हो गए, रबर की मोहर हो गई, यहाँ पे त्रिभाषा संख्या मतलब होनी चाहिए या द्विभाषा, ये कैसे तय होता है, मतलब इसका कोई विशेष आदेश वगैरह है क्या? देखिए आप सब लोग इस बात को जान लीजिए, यदि आप में से कुछ लोग आगे चल के हिंदी अनुवादक, हिंदी अधिकारी भी बनेंगे तो इस चीज को आप आज ही स्पष्ट कर लीजिए कि जो त्रिभाषा का आदेश है वह आदेश सिर्फ और सिर्फ ओनली एंड ओनली पब्लिक नोटिस बोर्ड के लिए है, जन सूचना बोर्ड। जन सूचना बोर्ड किसे कहते हैं कि आपके कार्यालय के बाहर लगा हुआ बोर्ड, जिससे कि जो वहां से गुजर रहा है और अगर उसको हिंदी या अंग्रेजी नहीं आती है तो वह स्थानीय भाषा में यह समझ सके कि यह कौन सा कार्यालय है। बाकी नाम पट्टिकाओं के लिए, रबर स्टैंप्स के लिए, लेटर हेड के लिए और सब चीजों के लिए सिर्फ द्विभाषी का ही आदेश है। नेक्स्ट। जी सर, और अनुवाद की आपने बात की सर, मैं जस्ट एक आपकी जानकारी के लिए बता दूं विद्यार्थियों, बाकी मेरे बहुत सारे विद्यार्थी वो भी जान लें कि मैंने जो अपने जीवन का जो सबसे पहला अनुवाद किया था वो राजीव सर को सुनने के बाद ही किया था। सर को भी ध्यान नहीं होगा कि वो एक बार आए हुए थे हमारे विश्वविद्यालय जिसमें हम लोग पढ़ते थे, तो उन्होंने जी सर आपका संप्रेषण कौशल का सर मैं कहूँ तो बहुत बड़ा फैन हूँ। आपने एक बात कही थी उस दौर में कि कार्यक्रम हो रहा था कि हम अनुवाद क्यों नहीं कर सकते, बहुत सारी जितनी भी केंद्र सरकार की कंपनियां या जो भी ऑफिस वो अपनी वेबसाइट जहां बनाते हैं तो उनको दो भाषा में वेबसाइट अपने रखने चाहिए, हिंदी में और अंग्रेजी में, तो आप उन्हें वहां से उनके कॉन्टेक्ट उठाइए, उनके ईमेल पे कीजिए कि मैं आपके वेबसाइट पर अनुवाद करने की मैं सक्षम हूँ या इंटरेस्टेड हूँ। अच्छा, तो अच्छा। जी सर आपने कहा था, तो पहली बार मैंने किसी वेबसाइट पे नहीं है कि किताब की हल्की फुल्की 10 से 20 पृष्ठों के अनुवाद किया था वो आपको सुनने का, और आपकी सबसे अच्छी उस आपके जो व्याख्यान था उसमें मुझे सबसे अभी भी याद है आपने एक बात कही थी कि लोग समझते हैं कि हम हिंदी वाले हैं तो कुर्ता पैजामा या झोला लिखा के ही चले, क्यों हम झोला लेके चले, हम भी कोट पैंट टाई पहन के चलेंगे, हम भी तकनीक के साथ चलेंगे, तकनीक में चलेंगे। तो सर अच्छा। कई बार होता है ना कि आप लोग कहते हैं लेकिन वो चीजें जो रहती है हम लोग तो, मतलब कॉन्शियस माइंड में बैठ जाती है, तो वही चीज है। जी सर, तो बहुत सारी चीजें होती है जो आगे चल के हमें बहुत हेल्प करती है, उन चीजों को लेकर के हमें बहुत कुछ सीखने को मिलता है, आगे बढ़ने को मिलता है। तो चलिए बहुत अच्छा, अगर आपको उस कार्यशाला की इतनी बातें याद हैं तो मेरा वहां जाना सफल रहा। जी सर आगे से बढ़ते हैं, प्रश्न लेते हैं। एक विद्यार्थी पूछती है कि राजभाषा नियम 1976 के अधीन केंद्र सरकार के कार्यालय में केवल पत्र व्यवहार हिंदी में ही किए जाते हैं या अन्य भाषा में भी होते हैं? हाँ, केंद्र सरकार का जो कार्य पत्राचार है केंद्र सरकार का वो हिंदी और अंग्रेजी में ही होता है। धन्यवाद सर।
और एक प्रश्न एक विद्यार्थी पूछते हैं कि वर्तमान संदर्भ में राजभाषा हिंदी की क्या दशा है। देखिए आजकल क्या हो गया है अभिषेक जी, जो आपने याद दिलाया ना कि अब हिंदी वाले भी काफी आगे बढ़ रहे हैं जी, ठीक है, और हिंदी को आगे बढ़ाने के लिए मेरा हमेशा यही आग्रह है आप सब लोगों से जो अगली पीढ़ी के लोग हैं कि हिंदी को ज्यादा व्याख्यानों और ज्ञान और उपदेश की आवश्यकता नहीं है, वो तो उसमें समृद्ध है ही, हिंदी वाले को तकनीक से जुड़ने की ज्यादा आवश्यकता है। तो हिंदी वाला जितना ज्यादा से ज्यादा इस आधुनिकतम तकनीक से जुड़ेगा वो उतना उसके लिए लाभदायक है, तभी फिर दूसरे लोग हमसे घबराएंगे। आप अपने आप को हिंदी वाला समझ कह के किसी से भी हीन भावना महसूस मत करिए। अरे ठीक है, उसने इंग्लिश पढ़ी है, उसने जर्मन पढ़ी है, उसने इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग पढ़ी है, आपने हिंदी पढ़ी है, ठीक है। तो जलीम जलीम अजीम जलीम क्या नाम है उनका, जलीम अजीमाबादी का एक शेर है कि जरा सा तुमसे क्या आगे बढ़ा हूं, जरा सा तुमसे क्या आगे बढ़ा हूं, तुम्हारी आंख में चुभने लगा हूं। तो आप इतना आगे बढ़िए कि लोगों की आंख में चुभने लगे कि ये आदमी है तो हिंदी का लेकिन इसको कंप्यूटिंग का बहुत ज्ञान है, ये आपकी शक्ति बननी चाहिए। जी सर, निश्चित तौर पर सर। और मैंने शायद उस वर्कशॉप में भी कहा होगा, मैं हमेशा कहता हूं कि हिंदी वाले को इतनी अच्छी अंग्रेजी आनी चाहिए कि अंग्रेजी वाला जो अपने घमंड में घूम रहा है वो नाक नीची कर ले, आंख नीची कर ले, इतनी अच्छी अंग्रेजी आनी चाहिए हिंदी वाले को। मैं अंग्रेजी का बिल्कुल विरोधी नहीं हूं, लोग कभी कभी कहीं हाथ में मोटी सी अंग्रेजी की किताब या इंग्लिश की कोई मैगजीन देखते हैं हाथ में, कहते हैं अरे आप तो हिंदी वाले हैं, तो हम कहते हैं सो व्हाट, इज इट प्रोहिबिटेड दैट आई कैन नॉट रीड इंग्लिश। तो आप उतना ही अंग्रेजी भी पढ़िए जितना हिंदी पढ़ सकते हैं, तभी दोनों भाषाओं में आपको पारंगत स्थिति आपको हासिल होगी। ये उपासना देव जी जो हमारे एक प्रतिभागी हैं, उपासना देव जी से मेरा निवेदन है कि अपने मोबाइल की स्थिति कैमरे की बदलें, हमें आपका घर गांव आपकी रसोई सब कुछ दिखाई दे रही है। जी सर, सर ओडीएल की तो सवाल है ना, दैट्स द ब्यूटी ऑफ ओडीएल कि आप घर बैठे ज्ञान वगैरह को अर्जित कर सकते हैं। जी जी जी, जी। अगला सवाल। जी सर, जी सर, रश्मि जी का सर, वर्तमान में तो विद्यार्थियों का और कोई सवाल दिख नहीं रहे हैं। एक विद्यार्थी पूछते कि सर टॉपिक से इतर कुछ पूछना था, तो जी टॉपिक से इतर हिंदी साहित्य से संबंधित अगर आपके कुछ प्रश्न है तो आप पूछ सकते हैं सर से। सागरिका जी आपको स्वागत है आपके प्रश्न का, आप टॉपिक से। देखो भाई, मुझसे तो आप कुछ भी सवाल पूछ सकते हैं क्योंकि मेरे पास मेरा कुछ नहीं है, सब यहीं से लिया है, सब यहीं आपको देना है। एक हमारे इस दौर के बहुत बहुत जहीन शायर हैं, बहुत सम्मानित कृष्ण बिहारी नूर जी के, तो उनका एक शेर है कि जिंदगी से बड़ी सजा ही नहीं, जिंदगी से बड़ी सजा ही नहीं, और क्या जुर्म है पता ही नहीं। जी सर, जिंदगी से बड़ी सजा ही नहीं और क्या जुर्म है पता ही नहीं, और इतने हिस्सों में बट गया हूं मैं कि मेरे हिस्से में कुछ बचा ही नहीं। जी सर, तो मेरा मेरे हिस्से में कुछ नहीं है, ये सब कुछ है आप विद्यार्थियों का है, मेरी अगली पीढ़ी का है, जो कुछ आप पूछना चाहते हैं पूछ सकते हैं। जी सर, सागरिका जी आपसे अनुरोध है, आपके जो भी प्रश्न है वो आप रख सकते हैं सर के समक्ष। इसके इतर भी अगर किन्हीं विद्यार्थियों को प्रश्न हो और वो चैट बॉक्स में लिखे हैं, परेशानी हो रही हो
तो मैं आमंत्रित करता हूं कि आप अपने माइक को अनम्यूट करके भी एक एक करके सर से प्रश्न अपने पूछ सकते हैं। रहता है जी सर, शायद प्रश्न लिख रहे हैं अभी विद्यार्थी। देखिए हिंदी के विषय में आपको मैं एक चीज बताऊं कि हम लोग अक्सर एक उदाहरण देते हैं हिंदी के विषय में कि हिंदी हमारे देश की राजभाषा क्यों नहीं बन पाई। थोड़ा बहुत राजनीति का उसमें दोष है, मानता हूं मैं, उस चीज को ना नकारता हूं ना उसको एकदम दोषी मानता हूं। मैं ये कहता हूं कि चलिए ठीक है, उस समय का दौर, उस समय की परिस्थितियां अलग थी, लेकिन आज तो हम और आप हैं ना इस दुनिया में, तो हिंदी के विषय में दोष देने से काम नहीं चलेगा कि आप किसी को दोष दें। हिंदी के विषय में आप ये एक शेर नोट करिए कि तू रात की बात न कर, रात तो गुजर गई। तू रात की बात न कर, रात तो गुजर गई, ए सुबह तू बता तेरी रोशनी किधर गई। तो तुम अपनी रोशनी की बात करो। इस हिंदी को, उड़िया को, अपनी मातृभाषाओं को बचाने का उत्तरदायित्व हमारा है। मैंने एक स्लाइड डाली थी ना, हिंदी और कंप्यूटर। अभी अगली कोई क्लास आप रखिएगा जिसमें कि हम आपको यूनिकोड के बारे में बताएंगे, तब आप देखेंगे कि आज यूनिकोड से आप अपनी मातृभाषा उड़िया या हिंदी, समस्त भाषाओं को सीधे सीधे इनस्क्रिप्ट कीबोर्ड पर टाइप कर सकते हैं। अभी तक आप क्या करते हैं, जैसे आपको लिखना है कोई शब्द अपनी मातृभाषा में, तो पहले आप उसको रोमन में लिखते हो, राम लिखना है तो RAM लिखते हो। आप सीधे सीधे अपनी भाषा में टाइप करना सीखिए। तो जितना आप अपनी भाषा को और अपनी मातृभाषा को, हिंदी को, अपना कंप्यूटिंग से जोड़ेंगे, आपकी पढ़ाई लिखाई में भी आपको सहूलियत होगी, नोट्स बनाने में भी सहूलियत होगी, और उतना ही ये जो कंपनियां हैं जो ऐप बनाती हैं, मोबाइल बनाती हैं, लैपटॉप बनाती हैं, कंप्यूटर बनाती हैं, जब इनके यहाँ आप गूगल में अपनी भाषा में टाइप करके खोजिए तो करोड़ों लोग, सब मान लीजिए कि इस समय आप 22 करोड़ लोग उड़ीसा में रहते हैं। कितनी आबादी है उड़ीसा की? 10 करोड़ के लगभग है। तो मान लिया 10 करोड़ में से अगर 5 करोड़ लोग सीधे सीधे जब गूगल में जाते हैं और उड़िया में टाइपिंग करना शुरू करें और उड़िया में अपना सर्च करना शुरू करें, तो सारी की सारी कंपनियां आगे उड़िया में फिर वो कंटेंट्स, वो सामग्री देना शुरू कर देंगी। लेकिन आप क्या करते हैं, आप अंग्रेजी में करते हैं, उड़िया में कोई करता नहीं है, तो उनको क्या लगता है कि उड़िया की जरूरत नहीं है। तो अपनी भाषा को सीधे सीधे अपने कंप्यूटर में, अपने लैपटॉप में, अपने मोबाइल में टाइप करना सीखिए। जी जी सर, निश्चित तौर पर कमी हमें भी लगती है कि हम अपनी भाषा को समृद्ध नहीं बनाते हैं। सागरिका जी ने अपना प्रश्न लिखा है जो मैं आपको समझ सकता हूँ सर। वो पूछते हैं कि जैसा आप कहते हैं कि हिंदी पढ़ने या सीखने वालों को इंग्लिश भाषा आनी चाहिए, सही भी है, लेकिन अगर क्लास में हम हिंदी शब्द के अलावा इंग्लिश शब्द का यूज भूलवश कर लेते हैं तो हिंदी विश्वविद्यालय में स्वीकार किया जाता है केवल हिंदी का ही प्रयोग। शायद सर, सागरिका जी, सर जी सर, वो पूछती हैं कि जैसा आपने कहा कि हिंदी पढ़ने या सीखने वाले को इंग्लिश भाषा आनी चाहिए, ये सही भी है, लेकिन अगर क्लास में हिंदी शब्द के अलावा इंग्लिश शब्द का भूलवश या गलती से निकल जाता है कई बार हमारे मुख से, तो क्या ये सही है या केवल हिंदी में ही बोलने का प्रयोग करना चाहिए? नहीं नहीं सागरिका जी, आप एक बात बताइए, जैसे आप खाना खा रहे हैं और आपको बहुत अच्छा खाना
उसमें आप खा रहे हैं और ऊपर से कहीं से एक छोटा सा मच्छर गिर जाता है, तो आप खाना फेंकते हैं कि मच्छर क्या फेंकते हैं? आप पूरा खाना फेंक देते हैं? नहीं ना। तो इसी तरह से यद्यपि मैं भाषाई शुद्धता का पक्षधर हूं कि भाषा की भी शुद्धता होनी चाहिए, बिल्कुल उसी तरह से जैसे कि आप जल पीना चाहते हैं तो शुद्ध जल पीना चाहते हैं, क्योंकि भाषा हमारे विचारों की संवाहक ही नहीं, हमारे व्यक्तित्व की परिचायक भी होती है। और मैं भाषाई घालमेल का थोड़ा विरोधी अवश्य हूँ कि घालमेल नहीं होना चाहिए। यदि आप हिंदी बोल रहे हैं तो हिंदी बोलिए, आप उड़िया बोल रहे हैं तो उड़िया बोलिए, और वहीं आप अंग्रेजी बोल रहे हैं तो अंग्रेजी बोलिए। उदाहरण के लिए मैं आपको बताऊं, जैसे कि अगर मैं ये कहूं टुडे मैं टेकिंग कच्छा उड़ीसा मुक्त यूनिवर्सिटी, कैसा लग रहा है आपको सुनने में? मैं क्या बोल रहा हूं? टुडे मैंने अंग्रेजी बोलना शुरू किया था, लेकिन मैंने क्या बोला? आपको समझ तो जरूर आ गया, लेकिन आपने कहा तो मेरी, यानी कि ये अंग्रेजी नहीं है, आप ये मानेंगे कि ये अंग्रेजी नहीं है। लेकिन अगर मैं ये बोलूं आज मैं उड़ीसा ओपन स्टेट ओपन यूनिवर्सिटी की क्लास ले रहा हूं, उसमें मुझे एक प्रेजेंटेशन देना है और मैं मुझे उसकी बहुत प्रिपरेशन करनी है और मैं बहुत टेंस हूं, क्या ये मैंने हिंदी बोली? आप इसको कह रहे हैं हाँ ये हिंदी है, लेकिन जब वो अंग्रेजी नहीं थी जिसमें मैंने हिंदी के कुछ शब्द डाल दिए, तो ये हिंदी कैसे हो गई जिसमें मैंने खूब सारे अंग्रेजी के शब्द डाल दिए? आप अपने घर में चर्चा करते हैं, बच्चे से कहते हैं कम शीट ऑन द टेबल, फिंगर टॉवल से सोप से वॉश करो, टॉवल से हैंड रब करो, नानी से टॉक करो, तो ये कौन सी हिंदी है? तो मैं इस हिंदी का विरोधी हूं, मैं भाषाई शुद्धता का पक्षधर अवश्य हूं, दुराग्रही नहीं हूं। और वही मैंने आपसे कहा है, भाषाई रूप से आपको दोनों ही भाषा बोलने में, क्योंकि संविधान भी कहता है, आप संविधान को पढ़िए, संविधान की जो मूल किताब है उसका दोनों तरफ दोनों को पढ़ते जाइए आप, तो आप देखेंगे दोनों की हिंदी बहुत अच्छी है, दोनों की अंग्रेजी बहुत अच्छी है। और मैं आपको एक चीज और बताऊं कि अनुवादक बनने के लिए आप वह पत्रिकाएं पढ़िए जो दोनों भाषाओं में निकलती हैं। उदाहरण के लिए आप इंडिया टुडे पढ़िए, दोनों अंक लीजिए, हिंदी का अंक भी लीजिए, अंग्रेजी का अंक भी लीजिए, रोजगार समाचार भी लीजिए, एम्प्लॉयमेंट न्यूज भी लीजिए, आउटलुक हिंदी में भी खरीदिए, अंग्रेजी में भी खरीदिए। अगर आपको सही अच्छा अनुवादक बनने की तैयारी करनी है तो कुछ चीजें आप दोनों भाषाओं में खरीदिए, पहले हिंदी में पढ़िए उसका फिर अंग्रेजी अनुवाद करिए, और फिर अंग्रेजी अनुवाद से उसको मिलाइए। यद्यपि दोनों अंकों में बहुत समानता होती है, कहीं कहीं कुछ अंतर भी मिलेंगे, लेकिन आपकी शब्दावली, आपकी विकोबलरी इससे बढ़ेगी जब आप दोनों भाषाओं में समानांतर रूप से अपनी तैयारी करेंगे। आप हिंदी बोलिए तो हिंदी बोलिए, और फिर अपने साथियों के साथ एक समूह बनाइए, बोले अब हम आधा घंटा सिर्फ और सिर्फ अंग्रेजी बोलेंगे, बोलिए अंग्रेजी, कोई दिक्कत नहीं है। आपका कॉलेज क्या, आपका शहर भी इस चीज की चर्चा करने लगेगा, अरे
10 लड़के लड़कियां हैं हिंदी से एमए कर रहे हैं, पर क्या फर्राटेदार अंग्रेजी बोलते हैं। करिए ना इस काम को। जी जी सर, मैं भी जैसा आपने कहा कि भाषा के शुद्धता का बहुत ज्यादा पक्ष दर हूँ, और इसके लिए एक बात सही है कि इसके लिए आपको प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। ये वो चीज नहीं है कि आप और हम चाहे और हो गया, क्योंकि किसी भी भाषा को सीखने में वक्त लगता है और भाषा बेहतर देखिए, तभी होती है जब हाँ समय हाँ देते वो हैं। कुछ कुछ चीजें ऐसी होती हैं। अभी समाज ने भी, समाज से हमारी वो गुलामी की दास्ता की प्रवृत्ति गई नहीं है, और कुछ कुछ शब्द ऐसे घालमेल कर गए हैं कि वो लगते ही नहीं है कि अंग्रेजी के शब्द हैं। जैसे कि केंद्रीय अनुवाद ब्यूरो के हमारे एक डायरेक्टर साहब थे डॉक्टर विचार दास, वो अपना अनुभव हमको बता रहे थे एक दिन। बोले वो जयपुर गए और जयपुर में जाके उन्होंने पूछा रिक्शे वाले को कि उसका नियंत्रक एवं महालेखाकार कार्यालय चलना है, तो रिक्शे वाले बोले नहीं जाएंगे। तो दूसरे रिक्शे वाले से कहा कि भाई नियंत्रक एवं महालेखाकार कार्यालय चलना है, बोला नहीं जाएंगे। तीसरे वाले को कहा, तो वो दोनों को देख रहा था, बोला हम ही नहीं जाएंगे, बिना सुने बोला हम भी नहीं जाएंगे, उसने सुना ही नहीं। तो कोई चौथा आदमी देख रहा था कि ये कोई आदमी ट्रेन से उतरा है, रेल से उतरा है, और ये कह रहा है कि जैसे कि अब ट्रेन और रेल ये सब दोनों अंग्रेजी के हैं, तो ये जो शामिल हो गए उनको शामिल रखिए, उनको आप बाहर नहीं कर सकते। तो वो चौथा आदमी बोला कि भाई साहब आपको कहाँ जाना है? बोला मुझे नियंत्रक एवं महालेखाकार कार्यालय जाना है। तो बोला अच्छा, तो उसने रिक्शे वाले को बुलाया, बोला इनको सीएजी ऑफिस ले जाओ। तो रिक्शे वाला बोला कि कहाँ ले जाना है? तो उस आदमी ने, जो लोकल वहां का जो स्थानीय निवासी था, उसने कहा इनको सीएजी ऑफिस ले जाओ। तो रिक्शे वाला कहता है बैठिए, तब से काहे को अंग्रेजी झाड़े फिर रहे थे। ठीक है जी, बताइए। जी सर, बहुत बेहतरीन उदाहरण आपने दिया। सही बात है कि जैसे कुमार विश्वास का एक शेर है ना कि माताएं और भाषाएं बेटे बेटियों से बड़ी होती है, शामियाने से नहीं। तो वही चीज है जी। तुलिका जी कह रही है कि वो माइक ऑन करके। जी मैम, आपका स्वागत है। अपने माइक ऑन करके कुछ भी प्रश्न पूछ सकती है सर से। आपका स्वागत है मैम। बशर्ते कि आवाज मेरे पास तक पहुंचे। जी, बिल्कुल। जी नमस्ते नमस्ते। सर। जी सर, आपका आपका व्याख्यान तब से सुन रही हूँ सर। काफी अच्छा लगा सर, काफी बातें जानने को मिली सर। तो यानी कि आप बहुत बोर बहुत हो चुकी धन्यवाद हैं? सर। नहीं, सर मैं कतई बोर नहीं हुई हूँ, बाकी आपका आगे भी सुनने की इच्छा रखती हूँ सर। जी बताएं। जी सर। सर मेरा थोड़ा सा, मतलब आज के सेशन से थोड़ा सा इतना सवाल है सर, बस मौका देखकर पूछ रही हूँ, क्या पता है ये मौका कभी मिले ना मिले। जी स्वागत। सर इंस्क्रिप्ट के बारे में सर आपने कहा था, तो मैंने इंस्क्रिप्ट सीखने की कोशिश की थी सर, तो उसी रिगार्डिंग मेरे को थोड़ी प्रॉब्लम आई थी। जैसे ट या च जब टाइप करते हैं सर, वहाँ पे जो सेमी कॉलन या फिर इन्वर्टेड कॉमा आता है, जब मैं इंस्क्रिप्ट में टाइप कर रही हूँ तो उन दोनों को टाइप करने का मेरे पास कोई साधन नहीं रहता, क्योंकि शिफ्ट दबाने से भी ट और ठ में दोनों में से कोई एक ही हमें दिखाता है, शिफ्ट दबाए या ना दबाए। तो इन्वर्टेड कॉलम और ये सेमी कॉलन और ये इन्वर्टेड कॉमा, ये दोनों कैसे यूज करें सर, उसके लिए मुझे थोड़ा जानना था, मुझे कहीं मिला नहीं ये सर। देखिए आप एक ट च काम, अंगा ये सब, जैसे जहाँ पे ब्रैकेट है या फिर ट है या य है सर, य के वहाँ पे हैश है सर, ये स्लैश है, तो वो स्लैश मुझे यूज करना है, तो वो मैं कैसे करूँ सर, देखिए बिना बिना इंस्क्रिप्ट के कीबोर्ड को चेंज किए। हाँ, आपने जो इनस्क्रिप्ट में जब आप काम करते हैं, तो आपने क्या देवनागरी इनस्क्रिप्ट कीबोर्ड अपना इनपुट मेथड बनाया हुआ है? जी सर, मैंने देवनागरी इंस्क्रिप्ट कीबोर्ड को मेथड बनाया है। ओके, तो ये आप देखिए, ये कीबोर्ड है मेरे सामने, आप ऐसे समझिए ये कीबोर्ड है, ठीक है? इस कीबोर्ड में ये जो बाएं हाथ पर है ना, बाएं हाथ पर,
बाएं हाथ का, बाई ओर का बाएं हाथ जो, पे हाँ लेफ्ट जी वाला जो एल्ट और शिफ्ट है, एल्ट और शिफ्ट, एल्ट इसको एल्ट और और शिफ्ट शिफ्ट, ALT और शिफ्ट, ये दो की को आप एक साथ जी दबा देंगे, एक साथ, तो ये टॉगल स्विच होता है, जी ये हिंदी टू इंग्लिश और इंग्लिश टू हिंदी तुरंत कन्वर्ट हो जाता है, तुरंत बदल जाता है। जी वो तो कीबोर्ड बदलने का सर तरीका हाँ, हुआ, मतलब ऑल्ट वो शिफ्ट मैं भी यूज करती हूँ सर, जो आपका जो मगर बिना स्लैश है कीबोर्ड ना, बदले इस चीज को नहीं किया नहीं, जा सकता। जो आपका जो स्लैश है और जो लेफ्ट इन्वर्टेड कॉमा है, राइट इन्वर्टेड कॉमा है, इनको इंग्लिश वाले कीबोर्ड से ही यूज करना बेहतर है, क्योंकि तो ये हिंदी के किस कीबोर्ड में ये ऑप्शन है ही नहीं सर। भाई, आप ये बताइए कि जैसे इन्वर्टेड कॉमा आपने लगाया या क्वेश्चन मार्क आपने लगाया, प्रश्नवाचक चिन्ह लगाया या स्लैश लगाया, ये किसी लिपि किसी भाषा का नहीं है, ना ये उर्दू का है, ना इंग्लिश का है, ना उड़िया का है, ना हिंदी का है, ये तो एक चिन्ह है, ये तो एक चिन्ह है, तो इसमें हिंदी या इसमें अंग्रेजी स्लैश या हिंदी स्लैश, इसका तो कोई अर्थ हुआ नहीं ना। नहीं मगर सर कीबोर्ड में वो ऑप्शन मिलना चाहिए सर, जैसे नहीं हम नहीं कुछ नहीं दबाएं, नहीं जैसे नहीं उसमें क्या हुआ, हमें कीबोर्ड बदलनी पड़ रही है सर ऑल्ट नहीं शिफ्ट नहीं करके। इस ये कीबोर्ड नहीं बदल, ये तो आपका यही कीबोर्ड है और इसी का जो इनपुट इंटरफेस है उसी में, क्योंकि देखिए हिंदी में उड़ी हमारी जो भारतीय भाषा है ना, इनमें इनमें जो जब ये यूनिकोड यूनिकोड बना था तो यूनिकोड कंसोर्टियम में इन बातों पर बहुत सी चर्चाएं थी, आपके हरिराम पंसारी जी भी यूनिकोड कंसोर्टियम के मेंबर रहे जो पहले नेल्को में सीनियर मैनेजर थे। नेल्को में हाँ, थे जी सर तो इन सब चीजों के वो तो बड़े विशेषज्ञ हैं, तो इस बात का बहुत साधारण सा तर्क है कि ये कीवर्ड बदलना का, तभी इसीलिए तो वो टॉगल स्विच दिया गया कि आपको कहीं जाना नहीं है, आपको जिस कीबोर्ड पर आप काम कर रहे हैं उन्हीं उंगलियों से सिर्फ एक एल्ट शिफ्ट करना है और वही चीज आपकी साइन जहां तक लेने, जहां चिन्ह लेने हैं, तो वही चिन्ह आप इन्वर्टेड कॉमा है, क्वेश्चन मार्क है, स्लैश है, डॉट है, डैश है, हाइफन है, ये सब चीजें आप, क्योंकि इस काम को अगर आप हिंदी कीबोर्ड में जोड़ेंगे तो हमारे तो हिंदी कीबोर्ड में करेक्टर्स ही इतने ज्यादा हैं कि उनके लिए यूनिकोड करेक्टर डिजाइन करने में ही पूरी दुनिया के पसीने छूट गए भाई। हमारे यहाँ की भाषाओं को यूनिकोड में डिजाइन करने में सोचिए कि करीब 52-53 अक्षर तो लेके हम घूम रहे हैं हिंदी वाले, 70-70 के करीब उड़िया, 60-65 कन्नड़, 64-65 बांग्ला, कितने कितने अक्षर लेके घूम रहे हैं हम, और हर अक्षर के लिए एक यूनिकोड मैपिंग करनी है, करेक्टर्स सर, बनाने हैं। मगर यूजर फ्रेंडली बनाने के लिए जैसे जैसे उस कीबोर्ड में इंग्लिश के कीबोर्ड में ये यूजर फ्रेंडली, जैसे मोस्ट यूज्ड जो कुछ चीजें हैं जैसे कॉमा हुआ या फिर स्लैश हुआ, ये सब जैसे कुछ मोस्ट यूज्ड है, तो यूजर फ्रेंडली बनाने के लिए फिर उस कीबोर्ड में हमें जब कीबोर्ड शिफ्ट करनी पड़ रही है ऑल्ट शिफ्ट करके, तो ये काइंड ऑफ एक हतोत्साह करने वाला चीज है कि सर जैसे हम ये बहुत फ्रीक्वेंट चीज हो, क्वेश्चन मार्क बहुत फ्रीक्वेंटली यूज होता है, उसके लिए अगर हमें ऑल्ट शिफ्ट करके दूसरे कीबोर्ड में स्विच ही करना पड़ा तो फिर वो उसका एक उसका मैं आपको एक समाधान बताऊं, देखिए ये जी तो जानिए आप कि ये जी यूजर फ्रेंडली रखने के लिए ही एक कीबोर्ड में विश्व की 168 भाषाओं का कीबोर्ड बनाना कोई छोटा काम नहीं था, नहीं कतई नहीं ठीक है ना, और इस कीबोर्ड का साइज भी हमको इतना ही रखना है, हम इस कीबोर्ड को बेड के साइज का नहीं बना सकते बिल्कुल नहीं है नहीं, जी सर तो जी हमको उस सीमित दायरे में ही मैन्युफैक्चरर्स कंपनीज को, IEMs को यही करना था, तो सबसे सुंदर जो टॉगलिंग करने का पॉइंट था, क्योंकि जो चिन्ह थे उनको टॉगल के साथ में रख दिया गया कि चिन्ह को आप कहीं से भी उठा लीजिए क्योंकि वो सभी भाषाओं के लिए कॉमन है। अच्छा, वो अंग्रेजी के साथ बाई डिफॉल्ट इसलिए रह गए क्योंकि अंग्रेजी के पास न तो कोई संयुक्त अक्षर था, न जी अंग्रेजी के पास कोई मात्रा थी, तो अंग्रेजी के पास तो जो पहले से लेके आज तक जो 26 हैं वही यों के तो ही 26 हैं,
तो उनके अच्छा शुरुआत में जब कंप्यूटिंग की प्लानिंग हुई, ये तो यहाँ तक कि आप जान लीजिए कि चाइनीज का भी कीबोर्ड यही है और चाइनीज की सारी, हाँ चाइनीज का भी कीबोर्ड, जापानीज का भी कीबोर्ड यही है, तो वो सारी, जबकि चाइनीज की लिपि तो कितनी दुरूह लिपि है, वो तो पूरी की पूरी चिन्हों के ऊपर है, लेकिन वो भी यही कीबोर्ड प्रयोग कर रहे हैं इंटरनेशनल मैटर्स में। तो ये थोड़ा सा अभ्यास की बात है कि जैसे ही आप आदत डाल दीजिए कि अल्ट की अल्ट शिफ्ट से आप टॉगल से बदल लीजिए, या एक दूसरा विकल्प है कि आप एक लिस्ट बना लीजिए कि आपको हिंदी का काम करते समय कौन कौन सी, कौन कौन से चिन्हों का बहुधा प्रयोग करना होता है, जैसे प्रश्नवाचक चिन्ह है या विस्मयबोधक चिन्ह है या लेफ्ट वाला इन्वर्टेड कोमा है या डबल इन्वर्टेड, ज्यादा से ज्यादा 4-6 होंगे 10 होंगे, तो आप उनको की असाइन कर लीजिए। की असाइन करना जानते हैं आप? की असाइन सिंबल जैसे करते हैं सर? हाँ, की असाइन इंसर्ट सिंबल का जैसे, हाँ इंसर्ट सिंबल तो आपके जो सिस्टम में दिया हुआ सेट है वहां से आप लेते हैं, उस इंसर्ट सिंबल में ही आप जब जाएंगे तो वहां से आप प्रश्नबोधक चिन्ह निकालिए, उसको जब आप क्लिक करेंगे तो जब वो आपके पैनल पर आ जाएगा तो नीचे नीचे एक विकल्प मिलेगा असाइन की, असाइन की, तो उस असाइन की को आप कर लीजिए। तो उसमें क्या कर सकते हैं आप कि कंट्रोल सी डी, कंट्रोल सी डी या एल्ट ए बी, एल्ट ए बी सी, एल्ट ए बी सी डी, एल्ट ए डी, एल्ट ए ई, इस तरह से आप अपनी सुविधा से अपने सिस्टम में की असाइन कर सकते हैं। की असाइन, ठीक है, धन्यवाद सर। हाँ, की असाइन बहुत बहुत धन्यवाद सर, ये मैंने जी 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 मैं ये कोशिश करके देखती हूँ, अभी तक मैंने किया नहीं है सर। हाँ, मैं ये कोशिश करके देखती हूँ सर। की असाइन एक सिस्टम है, तो जो भी आपको चाहिए उसके लिए आप की असाइन कर सकते हैं, तो वो बार बार आपको सिंबल में नहीं जाना पड़ेगा। आप जब जैसे आपने प्रश्नबोधक चिन्ह के लिए आपने की असाइन कर दी एल्ट ए बी, तो एल्ट ए प्लस बी, इसका मतलब हुआ एल्ट प्लस ए प्लस बी, यानी कि जैसे ही आप एल्ट ए और बी तीनों को एक साथ दबा देंगे उस जगह पर प्रश्न बन जाएगा। तो आप सर, मैं दूसरा सवाल था ये, इस पे मतलब मुझे बस आपका मत चाहिए सर, ऐसे कुछ विस्तृत उस पे जानने की, मतलब ये काफी लंबी बहस है, उसमें बस एक छोटा सा यही सवाल था कि जैसे भोजपुरी को अभी मान्यता नहीं मिल रही है सर, तो उसमें कि हिंदी कमजोर हो जाएगी इस आधार पे, तो इसमें यह सर ये बात भी क्या नहीं है कि अगर भोजपुरी को जैसे राजाश्रय नहीं प्राप्त हुआ, मतलब जैसे संविधान से उसको मान्यता नहीं मिली, तो इस भाषा के विलुप्त होने की संभावना आती है? नहीं नहीं, क्योंकि उसे सरकारी प्रोत्साहन नहीं मिल रहा है और धीरे धीरे मतलब वही वो भाषा विलुप्त हो जाने की अगर कोई संभावना है, बस आपका मत चाहिए ऐसे कुछ, नहीं, मतलब विस्तृत बहस नहीं करनी, क्योंकि बिल्कुल आपकी बात उचित है, आपकी बात उचित है, संवेदनाओं के साथ है, लेकिन प्रश्न यहाँ पर ये है, एक चीज जान लीजिए, सरकारी प्रोत्साहन, सरकारी संरक्षण तो राजभाषा हिंदी को भी मिला हुआ है, और पिछले 60 साल में अभी तक कार्यालयों में हिंदी नहीं आ पाई। जी जी सर, ये मानते हैं कि नहीं, पिछले 60 वर्षों सर। से जी सर, ये मैं मानती हूँ सर। तो आप सोचिए कि यदि भोजपुरी को आप सरकारी संरक्षण के अंतर्गत ले भी आएंगे तो वही कुछ गिने चुने लोगों का ही भला होगा जो सत्ता के दालानों में जिनकी पहुंच रहती है ना फंड्स लाने के लिए, जी वही भोजपुरी अनुसंधान पीठ बन जाएगी, वही उनके चेले चपाटे उसके अध्यक्ष उपाध्यक्ष मंत्री बन जाएंगे, वही उनके देशों के देश विदेशों के सैर सपाटे होंगे, भोजपुरी का कुछ भला नहीं होगा। मगर सर जैसे अभी ये संथाली भाषा हुई सर, संथाली भाषा में अलची की लिपि का जैसे शुरुआत की गई, क्योंकि वो भाषा विलुप्ति के कगार पे पहुंच गई थी, इसीलिए कि उसमें लिपि की गई, उसको सरकारी संरक्षण दिया गया, संथाली को भी 8वीं अनुसूची में इंक्लूड किया गया, क्योंकि उस भाषा को विलुप्तिकरण से बचाना था, तो कहीं मतलब कहीं ना कहीं सरकारी सहायता से अगर मिलती है तो उस भाषा की विलुप्ति नहीं होती है सर, धीरे धीरे मतलब देखिए। और जी एक बहुत
बहुत महत्वपूर्ण बात आपने कही है, लेकिन मैं उसके साथ साथ एक बात आपको बताऊं कि सरकारी संरक्षण किसी के भी बने रहने का कोई निश्चित प्रमाण नहीं है। कोई भी भाषा तब बचती है जब उसके बोलने वाले उसको बचाना चाहते हैं। आप ये बताइए मुझे, मान लिया उदाहरण के लिए जैसा आपका आग्रह है, जैसा आपका लगाव है भोजपुरी के लिए, आप ये मान लिया आप भोजपुरी बोलने वाले हैं, तो ये बताइए। नहीं, मैं उदाहरण के लिए कह रहा हूँ, उदाहरण के लिए कि भोजपुरी जो इनको भोजपुरी भाषा जिनकी है, क्या वे दिल्ली के कनॉट प्लेस में पहुंचकर या भुवनेश्वर के किसी मल्टीप्लेक्स मॉल में पहुंचकर अपनी भाषा में अपनी पत्नी या बच्चे से बात करते हैं? नहीं, ज्यादातर नहीं। तो फिर नहीं करते हैं, पर उनको संरक्षण किसका चाहिए? यदि कोई जनरल मैनेजर बना हुआ व्यक्ति, कोई मंत्री बना हुआ व्यक्ति, कोई कलेक्टर बना हुआ व्यक्ति अपने साथ चलते हुए अपने बच्चे से, अपनी पत्नी से, अपने भाई से अगर ये कहे कि का कहलवा कले वाले की ना, तब उसके साथ चलते हुए 100 लोग जो उसके मातहत हैं उनके ऊपर ये असर पड़ेगा कि ये साहब अपनी भाषा के कितने बड़े भक्त हैं। लेकिन वह हिंदी वाला व्यक्ति कलेक्टर बनते ही या जीएम बनते ही अपने साथ चलते हुए छोटे से कुत्ते से भी क्या कहेगा, प्लीज कम डॉगी डोंट डू इट। बिल्कुल सही कही सर आपने। तो फिर आपको क्या संरक्षण चाहिए? बस यही दो सवाल थे सर मेरे। बहुत अच्छा लगा सर, कभी मौका हुआ सर आपसे दोबारा संवाद करने को अगर मिले तो। जी बिल्कुल, धन्यवाद अभिषेक जी। धन्यवाद मैम जी। सर उदाहरण बहुत बेहतरीन था सर। मैं अंतिम एक प्रश्न लेता हूँ, समय भी बहुत हो चुका है। अंतिम एक प्रश्न भी एक ही है इसलिए मैंने अंतिम कहा। सागरिका जी वो पूछती है कि भारत में प्राचीन समय में 3 लिपियां प्रचलित थी, जैसे हम बात करते हैं प्राचीन भाषाओं की, तो सिंधु घाटी लिपि, खरुष्टी लिपि या ब्राह्मी लिपि, और आज हम देवनागरी लिपि भाषा में हिंदी की रचनाएं पढ़ते हैं। तो वो पूछती है कि वो प्राचीन समय से में और इस समय की हिंदी में कितनी भिन्नता है, क्या इस समय के जो हिंदी है उसे हम लोग सिर्फ और सिर्फ भारतेंदु युग की बात की जिसे हम खड़ी बोली कहते हैं वही समझे? नहीं, देखिए हिंदी का विकास और लिपि का विकास, देवनागरी लिपि का विकास, ये दोनों ही लगभग लगभग समानांतर चले हैं। आप यदि पिछले उस युग में जाएंगे तो जहां से हिंदी निकल के आई प्राकृत से, पाली से, लिपि ब्राह्मी, लिपियां बदलती भी रही हैं, लिपियों का संशोधन परमार्जन संस्करण बदलते भी रहे हैं, होते रहे हैं, ठीक है। लेकिन जैसे कि अभी हम लोग बात कर रहे थे कि कोई भी लिपि या कोई भी भाषा उसके प्रयोगकर्ताओं के साथ जुड़ी होती है। यदि आज हम देवनागरी, मैं क्यों बार बार आप लोगों के पहले भी शायद सुनाओ मुझे, मैं आज भी कह रहा था बार बार कि हम क्यों अपनी लिपि के प्रति, अपनी भाषा के प्रति इतने आग्रही हैं या हमें आग्रही रहना चाहिए, क्यों? क्योंकि यदि आज हमने हिंदी को देवनागरी लिपि में या उड़िया को अपनी उड़िया लिपि में नहीं लिखा, तो जैसे हम दोष देते हैं अपने पूर्वजों को कि वो संस्कृत उनकी गलतियों से खत्म हो गई, कि ब्राह्मी लिपि उनकी गलतियों से खत्म हो गई, कि कैथी लिपि उनकी गलतियों से खत्म हो गई, है ना, तो ये दायित्व तो हमारा है। आज भी आपने सुना होगा बहुत चर्चाएं चलती रहती हैं, जो अंग्रेजी ना पक्षधर हैं, जिनको विदेशों से करोड़ों रुपए के फंड आते हैं हमारी हिंदी को और हमारी देवनागरी लिपि को खत्म करने के लिए, और वो बहुत बड़ी एक मुहिम चलाते रहते हैं इंटरनेट पे, और वो कहते हैं कि नहीं हिंदी है तो क्या है, उसको रोमन लिपि में लिखिए। तो ये षड्यंत्र जो हमारी भाषाओं के प्रति और हमारी लिपियों के प्रति लोगों का चलता है, उसका कारण क्या है? वो यही तो चाहते हैं कि देवनागरी लिपि खत्म हो जाए।
और उसमें हम हिंदी बोलने वाले ही उनकी सहायता करते हैं। हम जितनी मेहनत अंग्रेजी सीखने में और अंग्रेजी लिखने में करते हैं, यहाँ पर यदि हमारे विद्यार्थी हैं वो जरा अपने बचपन को याद करें, वो याद करें कि उनके अध्यापकों ने, उनके माँ बाप ने, उनके घर मोहल्ले ने उनको मार मार के, कूट कूट के, पीट पीट के, खड़ा कर कर के मेज पे, बेंचों पे, क्लास से बाहर निकाल निकाल के उनको अंग्रेजी सिखाई, और हिंदी और उड़िया के प्रति उनका कोई आग्रह नहीं रहा कि कैसे हिंदी उड़िया सही लिखी जाए। तो जितनी मेहनत हम अंग्रेजी सीखने में, अंग्रेजी लिखने में करते हैं, क्या उसका 50% भी हम अपनी भाषा के लिए नहीं कर सकते? अगर हमने ऐसा नहीं किया तो सन 2020 चल रहा है, अगर कोरोना से बच गए, एम्फान से बच गए, और अगर हम लोग अगले 50-60 साल और जिए, और अगर हमने अपनी भाषा और अपनी लिपि को नहीं बचाया, तो 50 साल बाद कहीं देवनागरी बचेगी? भाई आप देखिए, आप अपने मोबाइल के कुंजी पटल पर या लैपटॉप के कुंजी पटल पर आप सारे दिन अंग्रेजी में उंगलियां चलाते हैं, और आप चाहते हैं कि आपकी लिपि बच जाए, आपकी भाषा बच जाए। भाई आप कोई पौधा लगाते हैं, उसको पानी नहीं देते हैं तो पौधा सूखता है। आप अपने घर में, आप अपनी मम्मी से या अपने बेटे से आप 5 दिन मत बोलिए, देखो वो आपसे फिर कितना रूठ के रह जाएगा। तो संबंधों को, व्यक्तियों को बचाने के लिए हमको संवाद करना पड़ता है ना, उसी तरह से यही संबंध हमारा हमारी मातृभाषा से, और यही संबंध हमारा हमारी लिपि से होता है। हम जिस भाषा में सोचते हैं उसी लिपि में, देवनागरी लिपि की तो सबसे बड़ी जो खासियत है हिंदी की, वो यही है कि जो बोला जाता है वही लिखा जाता है, और हम उसकी उसी विशेषता को नष्ट कर रहे हैं अपने ही हाथों। जो अभी एक सवाल किसी ने पूछा था कि आदरणीय सुनीति कुमार चटर्जी, उन्होंने भी ये सुझाव दिया था, तो देखिए सुनीति कुमार चटर्जी ने दिया था, तो क्या इसका मतलब ये है कि अगर सुनीति कुमार चटर्जी कल को ये कहें कि मेरी माँ की शकल भौंडी है तो मैं मान लूं? अरे मेरी माँ है भाई, सुनीति कुमार चटर्जी की तो नहीं है। सुनीति कुमार चटर्जी ने क्यों नहीं ये सुझाव क्यों नहीं दिया कि बंगला को रोमन लिपि में लिखा जाए? बताइए उन्होंने ये सुझाव क्यों नहीं दिया? केदारनाथ सिंह की कविता को पढ़िए मेरे भाइयों, आ मेरी भाषा लौट आ मुझ में, उस कविता को पढ़िए, उसको मन में बिठा लीजिए। ठीक है, जेएनयू में जब वो गए थे तो उनकी एक कविता है, रोको ये संगोशे वाले आदमी को रोको, पढ़िए आप लोगों ने। तो भाषा को व्यापार की और बाजार के हिसाब से मत देखिए, भाषा को हृदय के हिसाब से देखिए। भाषा का जो संबंध आपके मन में, आपके हृदय में होना चाहिए, उसको बाजार के हिसाब से मत देखिए। सारी दुनिया अगर आप आपसे कहे कि तेरी मम्मी के चोट लगी हुई है माथे पे और तेरी मम्मी का चेहरा बदसूरत है, आप कह दोगे क्या? या आपके बेटे के माथे पे या नाक पे एक छोटा सा वो पिंपल हो जाए, मस्सा जिसको कहते हैं, या काला निशान बन जाए, तो क्या आपकी माँ ये कह देगी कि नहीं मेरा बेटा बदसूरत है, मेरी बेटी बदसूरत है? तो ये हमारी मातृभाषा है, हमारा इससे वही संबंध होना चाहिए। मातजननी जन्मभूमिश्च स्वर्गादपि गरीयसी, ये क्यों कहा गया? निज भाषा उन्नत है हर उन्नत को मूल, क्यों कहा गया? विश्व के अनेक बड़े बड़े वैज्ञानिकों ने, यहां तक कि नोबेल पुरस्कार प्राप्तकर्ताओं ने भी ये लिखा है कि हम जब जब किसी गहरे वैज्ञानिक खोज के अंदर घुसते चले जाते हैं, चले गए थे, तो स्वतः स्वतः हम अपनी मातृभाषा में बोलने लग गए, बड़बड़ाने लग गए। तो मातृभाषा के साथ जो संबंध है वो आपके हृदय का संबंध होता है, उसको ऐसे मत आंकिए, उसको मान्यता दीजिए, उसको सम्मान दीजिए। आपकी मातृभाषा को सम्मान आप नहीं देंगे तो कोई जर्मन देगा जी?
या कोई फ्रांस का देगा? ये लोग तो सब विदेशों से करोड़ों रुपए के इनको फंड आते हैं हिंदी और हिंदुस्तान और हिंदी की लिपियों को बर्बाद करने के लिए। तो ये तो कहेंगे ही। आप देखिए, आप कभी कभी पढ़ते होंगे कि हजारों तरह की शोध होती है और उसमें से कभी कभी कुछ आता है, जैसे कोई एक शोध आएगी, कभी वो कहेगी चाय पीना हृदय के लिए लाभदायक है। आता है ना, आता है ना, कभी कभी आपने देखा होगा। तो 50-40 साल यही बात चलेगी, क्योंकि जिनको पैसा मिलना था, जिन प्रयोगशालाओं को, जिन वैज्ञानिकों को, जिन लोगों को, उनको वो पैसा देके इस शोध को करा रही हैं कंपनियां। लेकिन भैया, हृदय तो आपका है ना, पेट तो आपका है, ये तो आपको निर्धारित करना पड़ेगा कि चाय पीनी है कि नहीं पीनी है। ठीक है, एक बहुत और अच्छा सा उदाहरण सुनिए। एक बार सारे के सारे जो तीर्थ हैं हमारे, वो तीर्थ गए भगवान कृष्ण के पास। बोले, भगवान हमको लोग आते नहीं आजकल हमारे यहाँ। तो उनके जो राजा थे तीर्थों के, तीर्थराज कहा जाता है प्रयागराज को, इलाहाबाद को, आप जानते हैं ना इस बात को। तो तीर्थराज कहा जाता है प्रयागराज को। तो प्रयागराज की अगुवाई में सारे तीर्थ गए, तो उन्होंने कहा कि महाराज आजकल लोग हमारे यहाँ आते नहीं है। तो उन्होंने बोला, अच्छा ठीक है, हम व्यवस्थाएं बनाते हैं कि एकादशी है, पूर्णिमा है, अमावस्या है, ये उसके बाद बनाई गई कि भाई इन तीर्थों में लोग, इन दिनों में लोग गंगा स्नान, यमुना स्नान, कावेरी स्नान, समुद्र स्नान करेंगे, दान दक्षिणा देंगे और तुम्हारा सबका काम धंधा, जीवन यापन ठीक ठाक चलेगा। और उन्होंने प्रयागराज से ये कहा कि प्रयागराज, आपको प्रयागराज बनाया जाता है संगम को, और वर्ष में ये सारे तीर्थ कुंभ के दौरान आपके यहाँ आया करेंगे, आपके दरबार में सभी लोग हाजिरी देंगे। तो प्रयागराज बड़े खुश हुए, बोले ठीक है। अब अगले वर्ष कुंभ पड़ा, तो कुंभ पड़ा तो देखा सारे तीर्थ पहुंच गए। अब सभी तीर्थ पहुंच गए तो प्रयागराज ने बड़ा अच्छा लगा, बहुत आनंद आया उनको, सब लोग उनकी सेवा कर रहे हैं, सब लोग अपने अपने यहां से भेंट लेके पहुंचे हैं। लेकिन उन्होंने क्या देखा कि उस उन सभी पंक्तियों में मथुरा वृंदावन और गोकुल नहीं आए। तो उन्होंने पता किया कि भाई मथुरा वृंदावन गोकुल कहाँ है, अयोध्या कहाँ है, ये चार पांच ये लोग नहीं थे। तो उन्होंने पता कराया तो बोले कि साहब वो तो नहीं आए हैं। तो वो फिर बड़े गुस्से नाराज हुए, परेशान हुए, भगवान के पास फिर गए। बोले भगवान, आपने तो कहा था मैं तीर्थराज हूँ और देखो मेरी तो आज सभा थी संगम भी, और मथुरा वृंदावन गोकुल और अयोध्या तो आए नहीं। तो भगवान ने कहा, अरे भैया, मैंने तुमको तीर्थों का राजा बनाया था, अपने घर का राजा थोड़ी बनाया था, वो तो मेरे घर है। ठीक है, तो हिंदी और अपनी मातृभाषा के साथ ऐसा घर का सा हृदय का संबंध रखिए। जी जी सर, बिल्कुल सही कहा आपने। इसी के साथ सर, विद्यार्थियों के प्रश्न तो समाप्त हो गए, आपका उदाहरण से मुझे बहुत अच्छा लगा। अब बात भी सच है कि जब हम देखते हैं कि हिंदी को विश्व पटल पर लाने का काम, तो हमारे जो भूतपूर्व प्रधानमंत्री है अटल बिहारी वाजपेयी, जो साहित्य के हैं, अगर कहें साहित्य कुल के सबसे बड़े विद्वान, तो उन्होंने विश्व पटल पर सबसे पहले यूएनओ में जाकर हिंदी में भाषण दिया था। किसी ने नहीं कहा था कि आपने इंग्लिश में क्यों नहीं दिया है, कि इंग्लिश ही बुद्धिजीवियों की भाषा है या लोगों को समझ में आएगी, ये बात भी सही है। जी सर, बहुत अच्छा लगा सर आपको दोबारा से सुनकर, और उम्मीद करेंगे विद्यार्थियों से भी आग्रह करेंगे कि वो निरंतर इसी तरह अपने प्रश्न पूछते रहें। सर, और एक सवाल पूछना है। नमस्ते सर, पहले नमस्ते। आपको सुनकर बहुत अच्छा लगा और बहुत कुछ जानकारी जो जाननी चाहिए मिली, उसके लिए धन्यवाद आपको सर। सर मतलब आप जो बोल रहे हैं कि हिंदी भाषा में हिंदी भाषा का प्रयोग करना चाहिए अपने रचनाओं में भी, पहले लेखक और रचनाकार जो हिंदी पूरे बोली में तो लिखी लिखी हुई है, लेकिन उसको हम लोग पढ़ते हैं तो हिंदी के रूप में ही पढ़ते हैं,
तो आजकल के जो लेखक या रचनाकार हिंदी के साथ साथ जो अंग्रेजी शब्द का यूज करते हैं अपने उपन्यास में हो या कोई भी विधा में हो, तो उसको क्या कहेंगे कि वो हिंदी भाषा को सम्मान नहीं करते या उसके साथ साथ अंग्रेजी भाषा का भी उपयोग कर रहे हैं अपनी रचनाओं में? वो नहीं केवल इस हिंदी में ही रचना कर सकते थे ना सर, नहीं, क्यों बिल्कुल ठीक है अपने? आपकी बात। मैं उसको उसका विरोधी नहीं हूँ। देखिए, धीरे धीरे प्रचलन में आते आते जो शब्द विदेशी भाषाओं से भी हिंदी में आ चुके हैं, अब उनको निकाल के बाहर तो नहीं किया जा सकता। और भाषा एक बहता हुआ नीर है, प्रवाह की तरह चलता है, ठीक है ना? तो प्रवाह जहां जहां से चलता है वो वहां वहां से अपना रास्ता बनाता हुआ चलता है, और वो जिस जगह से गुजरता है वहां की कुछ मिट्टी, कुछ धूल कण, कुछ पत्ते, कुछ गंदगी, कुछ फूल, ये सब उस प्रवाह में चलते हैं, तो इनको हम नकार नहीं सकते। तो जो साहित्यकार यदि इस तरह की भाषाओं में भी जो साहित्य लिख रहे हैं उनको नकारा नहीं जा सकता, वो अच्छा कर रहे हैं। लेकिन मैं ये सवाल आपसे पूछता हूं कि आप एक काम करिएगा कि आप दो किताबें लीजिएगा, एक तो इस तरह की कोई भी किताब जो आपको लग रहा है कि वो दोनों भाषाओं में अंग्रेजी के शब्दों का प्रयोग करते हुए लिखी है किसी भी आज के नए आदमी ने, और आप एक तरफ को रामचरितमानस या हजारी प्रसाद द्विवेदी की कोई किताब या विद्यानिवास मिश्र जी की कोई किताब या प्रतिभा राय की कोई किताब या नंदिनी सत्पथी की कोई किताब या बनवारीलाल पुरोहित की कोई किताब, इनमें से किसी किताब को रखिएगा और दोनों किताबों के दो दो पन्ने पढ़ के देखिएगा, फिर आप देखिएगा कि आपके मन मस्तिष्क को, आपके हृदय को कहाँ शांति मिली। साहित्य सत्य, शिव और सुंदर के लिए होता है कि नहीं? साहित्य जो होता है वो मंगल मूल के लिए होता है, मंगल कारक होता है। दो तरह इसमें आप दो चीजें रख सकते हैं, एक बौद्धिक साहित्य है, एक आत्मीय साहित्य है। अब उसमें तो फिर आप ये भी कह सकते हैं कि भाषा किसी चीज का वो नहीं है कि नहीं, भाषा ही गारंटी है। अब कोई कहे संकेत भी होते हैं, संकेत तो किसी भाषा के नहीं। अब जैसे कोई किसी को एक उंगली दिखाए, अब अध्यापक है क्लास में एक उंगली दिखाता है, अब ये तो किसी भाषा का नहीं है, ये तो संप्रेषण है। तो मुझे भाषाओं में शब्दों के घालमेल से थोड़ी दिक्कत है, शब्दों के आपसी परस्पर संबंध जोड़ने से कोई दिक्कत नहीं है। संबंध जोड़ने से दिक्कत नहीं, जब एक शब्द हमारी भाषा में आएगा और लगातार लंबे समय तक प्रयोग होकर यदि वो हमारी भाषा का बन जाता है, अच्छी बात है। अब जैसे आजकल कोरोना चल रहा है, आप एक बात समझिए, अब कोरोना में मीडिया ने, टीवी ने एक शब्द चला दिया, सोशल डिस्टेंसिंग, है ना? एक शब्द चला दिया ना, सोशल जी डिस्टेंसिंग। अब मुझे आप एक बात बताओ सागरिका जी, कि भारत में, भारत छोड़िए, उड़ीसा में, उड़ीसा छोड़िए, संबलपुर में, आप संबलपुर से हैं? कहां से बरगढ़ हैं? से सर, बरगढ़ से, अच्छा बरगढ़ से सर, अच्छा उस गांव की या उस कस्बे की आबादी कितनी है? बहुत है सर, काउंट संख्या में नहीं बता सकती। 5 लाख, नहीं, उतनी उतनी शायद नहीं होंगी। 2 लाख, चलिए मोटे मोटे तौर पर हाँ मान लिया 1 लाख है, मान लिया, ठीक है 1 लाख है। अब उस 1 लाख में सोशल डिस्टेंसिंग का अर्थ जानने वाले कितने लोग होंगे आपके हिसाब से, मुझे बताइए। बहुत ही कम सर। क्वेरेंटाइन का अर्थ जानने वाले कितने लोग होंगे? नहीं कंटेनमेंट को कितने लोग जानते होंगे? नहीं सर, ये तो पहली बार सुने होंगे सर।
कंटेनमेंट नहीं जानते, सोशल डिस्टेंसिंग नहीं जानते, रेड जोन नहीं जानते, ऑरेंज जोन नहीं जानते, ग्रीन जोन नहीं जानते, मास्क नहीं जानते, सैनिटाइजेशन नहीं जानते और धड़ल्ले से चल रहा है। क्या इनके लिए हमारे शब्द नहीं थे? इनके लिए हमारे शब्द थे ना। हमारे पास जब माँ शब्द है, माता शब्द है, मेहतारी शब्द है, मैया शब्द है, तो साहित्यकार को क्या पढ़िए कि मॉम लिखे, मदर लिखे, क्या पढ़िए? क्या भाषा चल रही है? ब्रो, शिश, मॉम, हबी, तो यह भाषा साहित्य की भाषा नहीं हो सकती। साहित्य की एक रचनाशीलता होती है, एक धरातल होता है, एक उसका एक मानक होता है। तो साहित्यकार का एक दायित्व बनता है कि भाषा की शुद्धता का संवाहन का कार्य भी वही कर सकता है। तो सर आजकल के जो रचनाएं लिखी जा रही हैं उनमें जैसे अब वर्ड वगैरह बोले कि ब्रो, ये मुझे आप बताओ, ये मुझे आप बताओ, आप अपने हिसाब से बताओ। आज आज की तारीख में आप नोट कर लो, आज तारीख है 21 मई 2020। आज जो आपने रचना पढ़ी है, ये जो भी साहित्य आपने अगर इस तरह की भाषा में पढ़ा है, एक वर्ष बाद आप इस किताब का एक लाइन मुझे सुना देना, अगर आपको याद रह जाए तो। हाँ ये तो ठीक है जैसे। और जो साहित्यिक भाषा की जो शब्दावली के साथ लिखा हुआ कोई कविता है, कोई लेख है, कोई निबंध है, वो आप जो बचपन में भी पढ़ के आए होगे, वो आपको आज तक याद होगा। हाँ। तो कौन सी चीज हमको याद रखने के लिए चाहिए? साहित्य हमारा अवलंब होता है, हमारा सहारा होता है। जब हम किसी परेशानी में हो और हमें हमारे साहित्य में से कोई एक चीज याद आ जाए, जैसे हमारे घर में किसी की मृत्यु हो जाती है तो कितने दुख में होते हैं, होते हैं? तो जब हमारे उस दुख के कालखंड में हमको आज का कोई भी साहित्यकार याद नहीं आएगा, हमको क्या याद आएगा? तुलसीदास जी याद आएंगे, मुनि वशिष्ठ याद आएंगे, जो कि भरत से कहते हैं कि सुनाऊं भरत भावी प्रबल बिलख कहे मुनि नाथ, हान लाभ जीवन मरण यस अपयस विधि हाथ। तो हमको क्या उस दिन चेतन भगत याद आएगा? नहीं नहीं सर, प्रासंगिक रचना हमको हमारा साहित्य याद आएगा। हमको क्या याद आएगा? हमको वो गीत याद आएगा, जिंदगी एक सफर है सुहाना, यहाँ कल कब क्या हो किसने जाना, इसमें तो कहीं अंग्रेजी नहीं आई है ना। तो ये एक अंतर है, भाषा को अपवित्र करने का ये जो पाप कर रहे हैं ये लोग, ये बहुत ज्यादा दिनों के लोग नहीं है, ये 10-12-2-4 साल इनकी किताबें बिकती हैं, लाखों करोड़ों कमाते हैं और फिर कहीं इतिहास के कूड़ेदान में चले जाते हैं। ये किसी जगह नहीं पढ़े जाते, कहीं कोर्स नहीं किए जाते। हाँ सर, मेरे ख्याल से अगर मैं गलत नहीं होंगी तो गोदान जो लिखा गया उपन्यास प्रेमचंद जी के, तो उसमें आधुनिक नारी मालती जी को, एक कैरेक्टर है स्त्री पात्र, उनको दर्शाया गया है, और उनके शायद मैं अगर गलत नहीं होंगी तो वो अंग्रेजी वर्ड का शायद इस्तेमाल किए हैं, तो उसको तो कालजयी उपन्यास कहा जाता है, आज भी प्रासंगिक है प्रेमचंद जी के। अच्छा, और गोदान की मालती ज्यादा लोगों को याद है कि धनिया झुनिया ज्यादा लोगों को याद है, होरी ज्यादा लोगों को याद है, मिस्टर मेहता ज्यादा लोगों को याद है कि होरी याद है, बुधिया याद है, होरी, ये धनिया, इन लोगों को ज्यादा है ना। तो वो तो क्योंकि उनकी एक शैली थी कि वो दो कथाओं को साथ लेके उपन्यास रचा था उन्होंने, इसीलिए, क्योंकि वो अंग्रेजी वाले लोगों का चित्रण कर रहे हैं, तो उस समय समाज में शहरी लोगों में जो भाषा प्रचलित थी उन संवादों को उन्होंने मालती से मेहता से बुलवाया है। लेकिन जहाँ गोबर है, धनिया है, जुनिया है, दाता दीन है, वहां तो कोई अंग्रेजी नहीं है, वहां तो छप्पर है, पूंछ है, झबरा है ना, गैया है, पंडित है, शेर है, सवा शेर है ना। तो
जो कालजयी पात्र होते हैं वो जिस पृष्ठभूमि का उपन्यास होता है वही भाषा के रूप में याद किया जाता है। आयातित भाषा बहुत भी नहीं ले जाती है। जी सर, जी अभिषेक जी सर, और आपको सुनते हैं और मन कर रहा है सुनने के लिए, लेकिन बहुत टाइम हो गया आपको सुनते ही। आपको भी अभिषेक जी से पूछिए, उनकी क्लास है। और पूछने के लिए नहीं सर, मेरी क्लास से कुछ नहीं है सर, ये तो विद्यार्थी हैं जो किसी भी क्लास को पूर्ण बनाते हैं, तो इसमें सबसे बड़ा ये रोल तो विद्यार्थी का ही, आपका रोल है सबसे बड़ा। जी सर, सागरेगा जी बहुत बहुत धन्यवाद। और सर यूं ही मैं आज आप लोगों को कह दूंगा कि मैं सर को सिर्फ इतने क्लास पे नहीं छोड़ने वाला हूँ, जब तक हमारी ऑनलाइन क्लास की प्रक्रिया चलेगी और जब तक सर अपना समय देंगे, मैं निरंतर सर को लाते रहूंगा ऑनलाइन क्लास के माध्यम में। और आपका बहुत बहुत धन्यवाद, हम विद्यार्थियों का बहुत बहुत धन्यवाद, उन्होंने इस कक्षा को सफल बनाया, चूंकि समय अभी बहुत अधिक हो रहा है विद्यार्थियों का, फिर भी लगातार निरंतर विद्यार्थी बने हुए सर, थे। एक लास्ट पूछूं? हाँ बोलिए जी, पूछिए। वही जो बात आप बोल रहे थे उसी के ऊपर, तो सर हम जैसे कि आप बोले कि आजकल के रचनाकार लिखे उनकी पुस्तक के द्वारा 2 साल या 3 साल बिकेंगे या उसके बाद भूल जाएंगे लोग उनको, तो हम अभी पढ़ रहे हैं, मतलब उसी धारा में है, आधुनिक आधुनिक से आधुनिकतर सब चला 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 जा रहा है और उसमें उसके ऊपर भी रचना लिखी जा रही है। एक पुराना दोहा है, हम लोग पढ़ा करते थे, पता नहीं आप लोगों के गुरुओं ने आपको पढ़ाया कि नहीं। एक पुराना दोहा है कि सार 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 सूर तुलसी कही, सार जो पूरे साहित्य का सार है वो सूरदास और तुलसीदास ने कह दिया, और बाकी केशवदास, अगर कुछ बचा था ना, वो केशवदास ने कह दिया। सार सूर तुलसी कही बाकी केशवदास, आज कवि खग्योत सम जहता करत प्रकाश। खग्योत कहते हैं जुगनू को, रात में जो जुगनू थोड़ी थोड़ी रोशनी करता हुआ फिरता है ना अंधेरे में, तो वो रोशनी से किसी को रास्ता नहीं दिखाई देता है क्या? नहीं सर, तो हम उनको कैसे, किस तरीके से लिए, मतलब जैसे हम तुलसीदास कबीरदास को कालजयी मान के चलते हैं उनकी रचनाओं को, और उनको भी उनकी जन्म तिथि सब मनाते हैं, तो नामवर सिंह अभी उनको भी उसी कैटेगरी में मैं देखती हूँ। और अभी राइटर तो मतलब अभी जितने सारे राइटर हैं उनका नाम भी अच्छे से याद नहीं रहता, जैसे कि तुलसीदास कबीरदास वगैरह उनका नाम पकड़ के लेके चलते हैं और उनको उनके रचनाओं को भी, तो हम दो उन दोनों के डिफरेंट उन दोनों के रचनाओं को हम किस तरीके से लेके चले अभी के टाइम में? देखिए साहित्य साहित्य ना, हिंदी या कोई भी साहित्य, किसी भी भाषा का साहित्य एक अनवरत धारा है, एक अनवरत धारा है, आप धारा को रोक नहीं सकते। साहित्य लिखा जाएगा, रोज लिखा जाएगा, दिन प्रतिदिन लिखा जाएगा, लेकिन कुछ स्तंभ होते हैं, प्रकाश स्तंभ, वो जो लाइन खींच देते हैं, वो जहां रखे हुए हैं, वो जहां खड़े हुए हैं, बाकी सब लोग उसकी रोशनी में ही लिख रहे हैं, वो नया कुछ नहीं लिख रहे। आज बौद्धिक साहित्य बहुत लिखा जा रहा है, मार्मिक और हार्दिक साहित्य नहीं लिखा जा रहा है। आज आप देखिए पूरे देश में जितने श्रोता और जितने पाठक हैं, जितने कवि और साहित्यकार हैं, उतने पाठक नहीं है जितने लिखने वाले हैं, उतने पढ़ने वाले नहीं है आज, उतने सुनने वाले नहीं है जितने कवि हो गए हैं। ठीक है, तो कभी कभी तो जब हम कवि सम्मेलन वगैरह का आयोजन करते हैं तो इतनी कम भीड़ आती है, तो हमको ये कहना पड़ता है कि हम 10 कवियों को बुलाएंगे और हर कवि को ये गारंटी लानी पड़ेगी कि वो कैसा श्रोता भी लेके आएगा। ठीक है ना, तो क्या होता है, क्या है कि दोनों में एक अंतर है, जो पहले के साहित्य जिस
साहित्यिक एक अवधारणाओं के साथ उद्देश्य मूलक समाज के लिए सत्यम शिवम सुंदरम की अवधारणाओं पर खरा उतरने वाला जो साहित्य लिखा जाता था, जो बुद्धि को हृदय को संस्पर्श करता था, जो हमारे जीवन के संवेदनाओं से स्पंदित होता था, हम वहां से ऊर्जा पाते थे, दिशा निर्देश पाते थे, वो हमारे संकट के समय में, हमारी खुशी के समय में, हमारे आह्लाद के समय में, हमारी उदासी के समय में वे पंक्तियां हमारा सहारा बना करती थी। आज के किसी भी साहित्यकार की कोई पंक्ति आप कभी गुनगुनाने लायक पाएंगे ही नहीं। मैं उनका विरोधी नहीं हूं, मैं विरोध नहीं कर रहा हूं, मैं ये कह रहा हूं कि वो उस कसौटी पर कहां खरा उतरते हैं जहां आप उनको याद करना चाहें। वो एक व्यापार का हिस्सा है, वो आज के आधुनिक बाजार का हिस्सा है। अब प्रोफेसर रामदास मिश्र जी की दो तीन लाइन है, सोचिए कितनी बड़ी लाइन है, सोच के देखिए। कौन सी? कि न किसी को उछाला न खुद को गिराया, कटा जिंदगी का सफर धीरे धीरे, पहुंचे जहां तुम छलांगे लगाकर, पहुंचा हूं मैं भी मगर धीरे धीरे। तो ये लाइन जहां कहीं भी आप किसी कंपटीशन में हार जाएंगे, कहीं आपको कोई असफलता हाथ लगेगी, तो वहां आपको अपने पुराने किसी साहित्यकार की पढ़ी हुई रचना से एक सहारा मिलेगा। जैसे मैं अपने अपने निजी जीवन की बताऊं, अगर मुझे कहीं से कोई धोखा मिलता है तो मुझे बचपन में पढ़ी हुई सुदर्शन की कहानी हार की जीत याद आ जाती है, और मैं फिर अगली बार फिर अपनी कोई ना कोई आनंद से उस घटना को भूल जाता हूं। लेकिन आज आप किसी भी साहित्यकार को पढ़ लिए, आपके जीवन के किसी ऐसे पक्ष को इतना गहरे छूती हुई, प्रेमचंद की कहानी मंत्र है, कोई और कहानी आपको छूती है? या गबन में जालपा अपने सारे जेवर वेपर निकाल के और जिस तरीके से समुद्र में नदी में फेंकती है और पाप से प्रायश्चित करती है, आज आपको कोई भ्रष्टाचारी उस तरह का प्रायश्चित करता हुआ नजर आता है? तो ये दोनों दोनों समानांतर धाराएं हैं। मैं आधुनिक साहित्य का भी विरोधी नहीं हूं, आज भी बहुत अच्छा लिखा जा रहा है, बहुत अच्छा लिखा जा रहा है, आप पढ़िए, बहुत अच्छा लिखा जा रहा है, ऐसा नहीं है कि नहीं लिखा जा रहा है। आज भी लोग बहुत शुद्ध साहित्यिक भाषा में लिखते हैं, इतना शुद्ध लिखा जा रहा है कि आप पढ़ेंगे तो आपको लगेगा कि अरे ये चीज भी लिखी जा सकती है। ठीक है, चलिए, धन्यवाद सर। और सॉरी सर आपको इतने टाइम तक कोई बात। जी सर, आपने ये चीज बहुत बेहतरीन कही कि साहित्य हर दौर में बेहतर लिखा गया था, बेहतर लिखा जा रहा है, साहित्य को जरूरत है अच्छे पाठकों की, अच्छे पढ़ने वालों की। जी सर, देखिए अब यहाँ आपका कोणार्क मंदिर बना हुआ है, उस मंदिर के आसपास में सैकड़ों हजारों लाखों घर, झोपड़ियां, कच्चे मकान, पक्के मकान इस हजार डेढ़ हजार साल में बन के बिगड़ गए होंगे ना। तो आप ऐसे मान लीजिए कि जो हमारा भाषा का साहित्य है वो हमारा सूर्य मंदिर है, वो टिका रहेगा। और आजू बाजू में छोटी मोटी टेंट हाउस, झोपड़ियां, कच्चे घर, पक्के घर, ये सब लगेंगे, ऐसा नहीं कि नहीं लगेंगे, वो सब बनते रहेंगे, बिगड़ते रहेंगे, लेकिन सूर्य मंदिर अपनी जगह रहेगा। तो जो हमारी भाषा, आप विद्यापति को या प्रोफेसर दादा भवानी प्रसाद मिश्र को अगर आप पढ़ेंगे, जानकी वल्लभ शास्त्री जी को, आज कोई लिख सकता है कि जो वो बाबा त्रिलोचन जो लिख गए, आज कोई कह सकता है? आओ इंदिरा हम उठाएं तुम्हारी पालकी, आज कोई कह सकता है? कोई कह सकता है कि मोर न होगा, हंस न होगा, उल्लू होंगे? कोई लिख सकता है आज की तारीख में? नहीं लिख सकता है। तो जो हमारे साहित्यिक उत्कर्ष के जो लोग थे, वो हमारे दीप स्तंभ है, वो हमारे दिशा स्तंभ है, हमारे मार्गदर्शक हैं। हम उनकी विवेचनाएं करें,
साहित्य लिखें भाषाई शुद्धता के साथ, जब वो लोग इतने अमर हो गए तो निश्चित रूप से हम क्यों नहीं अच्छा लिख सकते हैं। नीलांबरा को पढ़िए है, अनामिका को पढ़िए, अनामिका का एक उपन्यास है तृण धरे ओठ, पढ़िए क्या भाषा है। नरेंद्र कोहली को पढ़िए है। तो ऐसा नहीं है, भाषाई शुद्धता जहां होती है। अब समस्या क्या है कि हमारे जो हिंदी भाषी लोग हैं हम लोग, या हमारे जो उड़िया बंगला भाषी लोग हैं, वो अपने अंदर की हीन भावना को अंग्रेजी के सहारे, भाषाई अपमिश्रण के सहारे, आपकी आपकी बहुत अच्छी खिचड़ी बनी है, आप उसमें दो चार कंकड़ी डाल लीजिए, डाल सकते हैं। मम्मी कितना भी अच्छा खाना बनाती हैं और उसमें कहीं से अगर जीरे की या दाल की एक कंकड़ी आ जाती है तो हमारा मुंह कैसा बिगड़ जाता है, छी मम्मी क्या है। यानी कि भोजन में तो हम एक कंकड़ी बर्दाश्त नहीं करना चाहते। और जो भाषा हमारे हृदय का, हमारे व्यक्तित्व का, हमारे समाज का, हमारे परिवार का, हमारी शिक्षा दीक्षा का, सबका एक दर्पण होती है, उसे हम इतना अपसंस्कृति का क्यों करना चाहते हैं। मैं मॉरिशस में विश्व हिंदी सम्मेलन में था तो वहां पर जो विदेशी विद्वान आए थे वो हमारे साथ शुद्ध हिंदी में बात कर रहे थे, और हमारे यहाँ के एक यहाँ के हिंदी भाषी विद्वान वो उनसे अंग्रेजी में बात कर रहे थे। सोचिए, तो हमें हमारी भाषा पर गर्व होना चाहिए ना। चीन के राष्ट्रपति हैं, जापान के राष्ट्रपति हैं, रूस के राष्ट्रपति हैं, सब अपनी भाषा में बोलते हैं। किसी को समझना है समझो, नहीं समझना तो अनुवाद करके समझो। क्यों? क्योंकि सारी दुनिया यह जानती है कि यह व्यक्ति इतना महत्वपूर्ण बात कह रहा है, इसीलिए वो ये लोग उसकी बात को अपनी भाषा में अनुवाद करा के समझेंगे। है ना? आप जैसे मान लिया आपका अपनी माँ से कोई थोड़ी देर को झगड़ा हो जाए, या अपने भाई से झगड़ा हो जाए और आप रोने लग जाएं, तो आप अगर रोते रो, या आपका अपनी बहन से झगड़ा हो जाए और आपके बीच में थोड़ा सा द्वंद युद्ध भी हो जाए, घर में होता है जैसे भाई बहनों में, तो आप थोड़ी देर बाद क्या कहेंगे, तुम बड़े वो हो, छोड़ो मैं तुमसे बात नहीं करता। अब तुम बड़े वो हो, अब इस वो ये वो क्या है, ये वो क्या है? एक छोटा सा शब्द कि एक भाई अपनी बहन से नाराज होके कह रहा है, जाओ मैं तुमसे बात नहीं करता, तुम बड़ी वो हो। अब इस वो में क्या है, ये वो क्या है? ये वो पूरा का पूरा संबंधों का संसार है, जिसमें क्रोध है, स्नेह है, स्पंदन है, संस्पर्श है, लाड़ है, खीज है, सब कुछ इस छोटे से वो में है। और वो एक 10 मिनट 20 मिनट 30 मिनट के बाद फिर स्थिति सामान्य हो गई। तो भाषा हमारे मन का एक अभिव्यक्ति का माध्यम है, तो वो हमको शुद्ध रखना चाहिए। मैंने कभी, इसीलिए मैं नहीं कहता कि आप अंग्रेजी ना जाने या अंग्रेजी के शब्दों का प्रयोग न करें, जहां अपरिहार्य है, आवश्यक है, वहां करिए। लेकिन कोशिश ये करिए कि जब आप हिंदी बोल रहे हो तो हिंदी बोलिए, अंग्रेजी बोल रहे हो तो अंग्रेजी बोलिए। अब जब आप हिंदी की परीक्षा देंगे, एमए हिंदी की परीक्षा देंगे, तो क्या आप उसमें अंग्रेजी के शब्द लिख देंगे? तो परीक्षा के दिन की तैयारी तो आपको पूरे साल करनी पड़ेगी ना। तो प्रयास ये करिए, मान लिया आपका विषय अंग्रेजी भी होता, आज मान लिया आपका बीए में एक हिंदी सब्जेक्ट है, विषय है, और एक सब्जेक्ट आपका इंग्लिश भी है, यानी कि आपके पास दो विषय हैं, हिंदी और अंग्रेजी। तो क्या अंग्रेजी के विषय में आप हिंदी के शब्द लिख देंगे कुछ? अगर आपको एक क्वेश्चन आता है, राइट ए स्टोरी ऑन एम्फन साइक्लोन 2020 इन उड़ीसा एंड बंगाल, अगर एक ऐसे लिखना है तो क्या आप उसको हिंदी में लिख देंगे? नहीं। और अगर हिंदी में आता है तो क्या उसमें अंग्रेजी लिखनी चाहिए फिर?
तो यही दोनों को अंतर में रखिए, समझिए, भाषाएं दोनों जानिए और अच्छी से अच्छी जानिए। जी अभिषेक जी। जी सर, निश्चित तौर पर आपने जो कहा, मुझे अपनी ही लिखी दो लाइन याद आ गई, यहाँ तक पहुँचने में, जी सर, यहाँ तक पहुँचने में, खुद को बनाने में दो लोगों ने साथ निभाया, एक थी माँ की बिंदी, दूसरी थी मेरी भाषा हिंदी। वाह बढ़िया जी सर, तो वही चीज है कि भाषा को समृद्ध आपको, हमको, हम सभी को मिलके ही बनाना है, चाहे वो हमारी भाषा हिंदी हो, चाहे मातृभाषा उड़िया हो। जी सर, तो इन्हीं शब्दों के साथ मैं विद्यार्थियों से आग्रह करूंगा कि आज की कक्षा यहीं समाप्त होती है और हम लोग फिर सर के साथ एक नए विषय को लेकर के जल्द ही जुड़ेंगे। ये मेरा आप लोगों से वादा रहा कि सर के साथ में एक विषय पर, एक नए विषय के साथ हम लोग जल्द ही और इसी महीने में ही जुड़ेंगे। और इसी के साथ विद्यार्थियों, आपका बहुत बहुत धन्यवाद, आपने अपना संयम बनाए हुए, क्योंकि समय हम लोग का 12:30 का रहता है, 1:30 से ऊपर हो, 1 घंटा ज्यादा हो गया, फिर विद्यार्थी लगातार बने हुए, बहुत बहुत बधाई आप सभी विद्यार्थियों को, बहुत बहुत धन्यवाद, हमारी टेक्निकल टीम को सबसे बड़ा धन्यवाद जो लगातार हमारे साथ बने हुए, और सर आपका सर इसी तरह आशीर्वाद और साथ बना रहे, इसी आशा के साथ सर आज की कक्षा यहीं समाप्त करता हूँ सर। ठीक है अभिषेक जी, और सभी विद्यार्थी और पूरी हमारी प्रौद्योगिकी की टीम पूरा जो इस कार्यक्रम को सफल बनाने में लगी हुई है, आप सभी का, सागरिका का और सभी जो विद्यार्थी हैं जिन्होंने सभी प्रश्न पूछे, कक्षा में जीवंत भाव बनाए रखा, मैं सभी का हार्दिक आभार व्यक्त करता हूं, बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद सर। थैंक यू सर। थैंक यू सर।